अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपको ईगल पॉइंट के अंदर क्रिएट क्रॉस सेक्शन इन ईगल पॉइंट के अंदर बताऊंगा कि आप ये क्रॉस सेक्शन अपने डिस्टेंस और एलिवेशन और डिज़ाइन प्रोफाइल की मदद से कैसे ड्रा कर सकते हैं। वन क्लिक के ज़रिए पूरा क्रॉस सेक्शन होएगा। ये आपने टेम्पलेट कैसे लगानी है, आपने ऊपर इसका ये जो टेम्पलेट हैं डिस्टेंस वगैरह हैं, और ये पूरा क्रॉस सेक्शन आपने कैसे बनाना है। इसके अंदर आपके पास एरिया कैलकुलेशन होएगी, आपकी आर डीज वगैरह, इसके डिस्टेंस, इसके स्लोप्स वगैरह सबके मुतालिक बताऊँगा। ये मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शन मेरे पास इधर ये मैंने बनाए हुए हैं, ये मैं आपको इधर दिखाऊंगा। तो आपने जस्ट इधर से प्लान एंड क्रॉस सेक्शन वाली शीट को ओपन करना है, और करने के बाद आपने इधर से प्लॉट टू क्रॉस सेक्शन कर देना है। तो ये सारे क्रॉस सेक्शन ये आप देख रहे हैं, ये ऑटो प्लॉट हो रहे हैं सारे। ये मैंने इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ की हुई है स्टार्ट के अंदर, आपको बता दूँ कि ये क्रॉस सेक्शन इसके अंदर कैसे हमने बनाने हैं और उसको हमने कैसे प्रोसेस करना है। तो ये आपके पास किलोमीटर्स के अंदर भी क्रॉस सेक्शन होते हैं, 40 किलोमीटर हैं, 30 किलोमीटर हैं, 20 किलोमीटर हैं। तो आपने जस्ट उधर से डेटा इसका एंटर करना है, और डेटा एंटर करने के बाद आपको उसके प्लान प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इसकी टेंथ सर्कल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो डेटा आपके पास फील्ड बुक के ऊपर से सर्वेयर लेकर आता है, उस सर्वेयर के डेटे को आपने इसके फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है, और ऊपर से डस्ट डिज़ाइन प्रोफाइल की एक लाइन लगा के आपने इसकी असम्बली क्रिएट कर देनी है टिपिकल सेक्शन का। और क्रॉस करने के बाद जस्ट आपने इधर से क्लिक करना है, तो ये आपके क्रॉस सेक्शन इधर से बनते जाएंगे। आप इसको कैसे बना सकते हैं, ये ईगल पॉइंट मेरे पास ओपन हुआ हुआ है, इसके अंदर ये मैंने सारे बनाए हुए हैं क्रॉस सेक्शन। ये आप देख सकते हैं 0+00 वाला क्रॉस सेक्शन हमारे पास, 0+50 वाला क्रॉस सेक्शन, 100, 150। तो ये पूरे क्रॉस सेक्शन मेरे पास ये इधर बने हुए हैं, इसकी मैंने पूरी सेटिंग की हुई है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया। इसकी आप शीट सेटिंग को आप कैसे सेट करेंगे, इसके अंदर स्केल वगैरह आप कैसे लगा सकते हैं, इसी तरह इसकी कैड की सेटिंग जो है वो, ये इसकी सेटिंग के मुतालिक मैंने पूरी इस डिटेल के अंदर वीडियो बताइए। आपने एलिवेशन इसके अंदर लगाने हैं तो उसका क्या तरीकाकार है, और इसी तरह इसके जो इसका वॉल्यूम्स वगैरह है वो, उसके मुतालिक मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर कि आप इसका वॉल्यूम्स वगैरह कैसे देख सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो बेसिकली जो सेटिंग है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है कि आपको इसके अंदर हमारे पास जो डिज़ाइन एलिवेशन प्रोफाइल है वो हमारे पास आरडी और इसके एलिवेशन के ऊपर हमने इसको बनाया है। इसके अंदर हमें कोई प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं थी, सेकंड नंबर के ऊपर हमने इसके ऊपर काम किया कि NSL जो हमारे पास जो होते हैं हार्ड कॉपी के अंदर, उसको हमने किस तरह ईगल पॉइंट के फॉर्मेट के अंदर इसको बनाना है, और बनाने के बाद हमने इसको ईगल पॉइंट के अंदर इधर क्रॉस सेक्शन वाले सेगमेंट के अंदर इधर इंपोर्ट करना है। पूरा सेगमेंट मैंने आपको बताया, इसकी फ़ाइल का मेथड बताया कि कौन सी फ़ाइल को आपने किस तरह इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करने के बाद ये क्रॉस सेक्शन ये जरिए आपके पास बने हुए हैं सारे, ये इसी तरह आ जाएंगे आपका, ये डिस्टेंस वगैरह सारे, ये जो आपको इधर नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे इसी तरह आएंगे। इसमें हमें किसी किस्म की प्लान की ज़रूरत नहीं है, इसमें अलाइनमेंट हमने कोई भी नहीं बनाई है। ये ड्राइंग को अगर आप ये देखते हैं तो ये हमारे पास अलाइनमेंट वाला ड्राइंग इधर खाली पड़ी हुई है, और इसी तरीके से हमने इसकी प्रोफाइल लाइन को ड्रा किया है। ये जो हमारे पास डेटा था, इस डेटे की मदद से, हार्ड कापी की मदद से जो डेटा हमने इधर इंटर किया, उसकी मदद से ये हमने प्रोफाइल इधर बनाई है। उसके बाद इसको वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि अपना टिपिकल सेक्शन को आप कैसे इसके अंदर ड्रा करेंगे, ड्रा करने का मेथड बताया है, इसके प्रोसेस सारे, और प्रोसेस के बाद ये पूरा क्रॉस सेक्शन मैंने आपको बताया कि आप क्रॉस सेक्शन को इसको कैसे बनाएंगे। इस क्रॉस सेक्शन को अगर आप देखें तो उसके अंदर पूरी टेम्पलेट इधर लगी हुई है, मैंने इसके टेम्पलेट के मुतालिक भी बताया कि ये टेम्पलेट आपने इसके अंदर कैसे इंसर्ट करनी है, और ऊपर ये हैच, और ये जो आपने पूरा ये हमारा ऑटोकैड का मैनुअल सिस्टम होता है जो कि हम जिस टाइम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो ये लगाते हैं, इसी तरह टेबल्स वगैरह हैं, तो ये आपने कैसे इन क्रॉस सेक्शन के बीच में जब बनाते हुए आपने इनको एडजस्ट करना है, उसके बाद आपने ये क्रॉस सेक्शन को इधर बनाने हैं। तो उसके मुतालिक मैंने पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो बनाई है, ये मेरी 1.5 घंटे की तकरीबन ऑलमोस्ट वीडियो है, कम्प्लीट वर्किंग है इस सॉफ्टवेयर ईगल पॉइंट सॉफ्टवेयर के ऊपर। अगर आपने क्रॉस सेक्शन बनाने हैं, सिंगल सेट क्रॉस सेक्शन बनाने हैं, तो आप एक दिन के अंदर अपने 30-40 किलोमीटर रोड्स को आप कैसे बना सकते हैं, आपके पास कोई इंटरचेंज का प्रोजेक्ट है उसके क्रॉस सेक्शन को आप कैसे एक दिन के अंदर बना सकते हैं, उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरा मेथोलॉजी मैंने इसके अंदर बताई है। बहुत ही यूज़फुल ये ईगल पॉइंट का सॉफ्टवेयर है, ये आपका आप गूगल के ऊपर जाके ईगल पॉइंट लिख कर सर्च करेंगे तो ये आपका पास ये उसका डाउनलोड लिंक आ जाएगा। ये 500 से 600 MB के दरमियान में ये वर्जन होता है, ये मेरे पास 2011 ईगल पॉइंट का वर्जन है, और ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने
आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, आप उधर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। और ये बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर है हमारे इंजीनियरिंग के हवाले से, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के हवाले से, कि अगर आप क्रॉस वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। सिविल 3D के मुकाबले में आप इसको भी यूज़ करें, देखें, और ये आपको बहुत आसान और ईजी वर्किंग ये सॉफ्टवेयर ये हमें प्रोवाइड करता है। तो ये मैं वीडियो को आगे स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करूँगा। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो आए शुरू करते हैं क्रॉस सेक्शन के, आपने क्रिएट क्रॉस सेक्शन ईगल पॉइंट के अंदर हमने कैसे ड्रा करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये आपके पास एक टिपिकल सेक्शन हर रोड का दिया गया होता है, ये आपने ऑटो कैट के ऊपर बना लेना है। जो जो फार्मेट आपको उसका चाहिए, जो वाटर बाउंड चाहिए, जो उसके ऊपर टेम्पलेट के ऊपर आपको डिज़ाइन चाहिए, उसका आपने इधर से पूरा फार्मेट इधर बना देना है। इसी तरह आपने इस, आपके पास फॉल्ट बेयरिंग कोर्स है 0.60 सेंटीमीटर, वाटर बाउंड मैगडम है आपके पास 0.50, सब बेस 0.50 है। इससे नीचे जो हमारे पास एरिया होएगा ये सारा हमारा अर्थ फिलिंग का एरिया होएगा। इसके ऊपर जो जो से स्लोप जा रही हैं, जो जो से आपने क्रॉस सेक्शन बनाते वक्त आप चाहते हैं कि वो आपकी पूरी टेम्पलेट आपकी बने, तो आपने इस तरह की एक टेम्पलेट अपने टिपिकल सेक्शन के हिसाब से इधर बना लेनी है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं आपने इधर कट एंड फिल और कट एरिया का भी अपना टेबल बना लेना है इधर, और उसका व्यू क्यू आइटम वगैरह जो आ रहा होगा वो बना देना है। ऊपर ये जो पोर्शन होएगा इसके ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये आपका पेवमेंट डिज़ाइन स्ट्रक्चर होएगा, स्वाल्ड वेयरिंग कोर्स, सर्कुलर बेस कोर्स, और इसी तरीके से सब बेस वगैरह, वाटर बाउंड वगैरह का जो भी आपके पास डिज़ाइन आइटम है उसका भी आपने इधर टेबल बना देना है। आपने ये टेम्पलेट ये पूरी बना देनी है इसी तरीके से, जिस जो आपके हर क्रॉस सेक्शन के ऊपर है। तो फिर क्लाइंट आपका जो भी क्लाइंट होएगा, नीचे इसका नेम और इधर उसका मोनोग्राम आ जाएगा। इसी तरह कंसल्टेंट, नीचे कंसल्टेंट का नेम और इधर उसका मोनोग्राम, कंट्रैक्टर, और उसके बाद उसका इधर मोनोग्राम आ जाएगा। इसी तरीके से कंट्रैक्टर ड्रॉन बाय सबमिटेड बाय जो जो से होंगे उनका आपने नेम वगैरह इधर नीचे लिख देना है, और ऊपर आपने उसके साइन वाला कालम इधर बना देना है। और इसी तरीके से कंसल्टेंट आपका चेक बाय और अप्रूव बाय का दो कालम आप बना देंगे, और इधर आपने ब्लॉक्स वगैरह अपना जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो आपने इधर बना देनी है। आपने इसी तरीके से सेक्शन को बना देना है, इसमें सेंटर लाइन को आपने इधर से ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद आपने इधर से इसके टेक्स्ट वगैरह जो हैं वो उसी हिसाब में आपने इसके एडजस्ट कर देने हैं, जितना आपने आप चाहते हैं कि वो आपके पूरे सेक्शन के ऊपर आएँ। तो ये आपने सेक्शन को जो अपना टिपिकल सेक्शन होगा उसको आपने इसी तरीके से इसको फाइनल कर देना है। ये हमारी टेम्पलेट होगी, ये हम इसको इंसर्ट कराएंगे, इसको अपने ईगल पॉइंट के अंदर जब हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो उसको हम उसी के अंदर बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले बनाने के लिए आपने ये नीचे NSL की लाइन लगी हुई ये आपने ख़त्म कर देनी है इधर से, और इधर से इसी तरीके से आपने ये जो आपकी स्लोप जा रही है इधर, इसको भी आपने इधर से स्लोप को भी नहीं बनाना, आपने इधर से सिर्फ ऊपर वाला जो हमारा टिपिकल सेक्शन है वो बनाना है। स्लोप वगैरह इधर जो बनेगी वो हमारी इधर ईगल पॉइंट के अंदर वो खुद लगाएगा इसको। तो आपने इसी तरीके से हमारे पास स्लोप है 1.5 × 1 की, ये आपने इधर अगर लिखा रहने देते हैं तो लिखा रहने दें, ईगल पॉइंट के अंदर भी ये लग जाता है। अगर आपने टिपिकल सेक्शन को इसी हिसाब में बनाना है तो आप इसको इसी तरीके से बना दें। तो आपने ये टेम्पलेट को इस तरह बनाने के बाद आपने इसको सेव करके अपने फोल्डर के अंदर, मेन फोल्डर के अंदर पहले रख लेनी है, और रखने के बाद इसको हम अपनी ईगल पॉइंट की जो ड्राइंग है उसके अंदर इंसर्ट कराएंगे, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो आगे चलते हैं तो हम डेटे के ऊपर आ जाते हैं। डेटे के लिए ईगल पॉइंट के अंदर जो क्रॉस सेक्शन बनाने का तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर हमें सिर्फ ज़रूरत होगी अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल की। जो हमारे पास प्रोफाइल है डिज़ाइन, उसके सॉफ्ट लेवल्स हमारे पास होने चाहिए, जिस तरह हमारे पास ये RD है, इसमें एक RD हमें, और उसके साथ हमें उसका एलिवेशन चाहिए। तो ये हमारे पास सेंटर लाइन की जिधर से हमारी कोऑर्डिनेट लाइन जा रही है उधर के हमारे पास इसके एलिवेशन होने चाहिए, FRL या फिनिश रोड लेवल, PGL आप जो कह दें। तो ये हमारे पास Road 1 है, और इसी तरीके से आगे Road 2 है। दो किस्म के फार्मेट मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर ड्रा करके के, या हमने इन तमाम RDs के ऊपर, डेटे के ऊपर हमने ना उसके अंदर अलाइनमेंट लगानी है ना कुछ करना है। तो हमने प्रोफाइल, डिज़ाइन प्रोफाइल के हिसाब से उसके क्रॉस सेक्शंस को कैसे ड्रा करना है, तो ये हमारे पास अलाइनमेंट, ये इसका डिज़ाइन प्रोफाइल के एलिवेशन हमारे पास होने चाहिए। इसी तरीके से सेकंड नंबर के ऊपर आप आ जाएं तो ये हमारे पास NSL हैं। तो ये आपके NSL जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर आपने पढ़े हुए हैं, 0, 50, 150, 200 के ऊपर, तो ये आपने डेटा एक्सेल के अंदर इसी तरीके से इसी फॉर्मेट के अंदर आपने लिख लेना है। ये जो आप मैनुअल क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो उस टाइम भी सेम टू सेम यही तरीकाकार आप फॉलो करते हैं। उसमें आपने ये करना है कि जैसे एक साइड से माइनस से स्टार्ट होना है, 0 पे आना है, और उसके बाद आपने इधर प्लस वाले पे चला जाना है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इधर से लाजमी नहीं कि आपने इसको लेफ्ट साइड ही पहले लिखी हुई हो, आपने इसको इधर से राइट
राइट साइड भी लिख सकते हैं, राइट साइड आने के बाद जीरो और उसके बाद आपने लेफ्ट साइड के ऊपर। तो अगर आप इसको चेंज भी करना चाहते हैं तो आपने इसी तरीके से इसको राइट क्लिक करके और इधर शॉर्ट में आ जाएं और इधर से शॉर्ट लार्ज टू स्मॉल आप कर देंगे तो ये स्मॉल कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी डायरेक्शन इधर चेंज हो जाएगी। अगर ये आपने किसी भी डायरेक्शन के ऊपर ये आपके हैं एलिवेशन वगैरह तो आपने इसका हमें मसला नहीं है, आप इसको किसी भी फॉर्मेट के ऊपर आप इसको रहने दे सकते हैं। लेकिन आपने इसको बनाना यही है कि अगर आप राइट साइड से शुरू कर रहे हैं तो मैक्सिमम राइट साइड का आउट मोस्ट पॉइंट हो, उसके बाद आपने जीरो के ऊपर आना है और फिर लेफ्ट साइड के ऊपर, और लेफ्ट साइड के ऊपर से आप काम कर रहे हैं तो आखिरी जो पॉइंट होगा आपका उधर से आना है और फिर जीरो और उसके बाद आपने राइट साइड के ऊपर। तो ये हमारे पास इधर डिस्टेंस और एलिवेशन का फॉर्मेट होएगा। ऊपर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन की हेडिंग दे देता हूँ इधर। तो ये हमारे पास इधर ये डिस्टेंस है और ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया और ये हमारे पास एलिवेशन आ गया। तो ये आपके पास जो डिस्टेंस और एलिवेशन है वो सारे इसी फॉर्मेट के ऊपर सिंपल फॉर्मेट के अंदर जिसके अंदर आप मैनुअली बनाते हैं क्रॉस सेक्शन अपनी हार्ड बुक से लेवल फील्ड बुक जो लेवल बुक होती है सर्वे वाली बुक उसके ऊपर से ये आपने इसको इसी तरीके से नोट कर लेना है। ये हम डिज़ाइन के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो NSL साइड फील्ड वर्क के ऊपर सर्वे टीम पढ़ के लेकर आती है तो उसके हिसाब से हमें क्रॉस सेक्शन ड्रा करने हैं। तो क्रॉस सेक्शन हम इसको मैनुअली ड्रा करते हैं हमारे पास टाइम लगता है, तो इसको हमने ईगल पॉइंट के अंदर ड्रा करना है तो बनाना है। तो इसी तरीके से जो सेकंड फॉर्मेट होएगा वो भी आपका इसी तरीके से। तो ये इसमें दो फॉर्मेट मैंने आपको इधर बता दिए हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास प्रोफाइल डिज़ाइन प्रोफाइल लाइन होगी और दूसरी शीट के ऊपर हमारे पास NSL के डिस्टेंस और एलिवेशन होंगे। इसके आगे डिस्क्रिप्शन वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये सेंटर लाइन 00 जिसको है वो पता होता है सिर्फ फील्ड वालों को। जो लेफ्ट साइड जा रही होती है वो माइनस के अंदर होती है, राइट साइड प्लस के अंदर होती है। आप इधर उसका कॉलम आपने बनाया हुआ कोई तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं है, आप पूरा फॉर्मेट जो आपके पास बना हुआ है आप उसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं। तो आगे सबसे पहले हम चलते हैं अपने, तो आप ये देख सकते हैं ईगल पॉइंट ऑटो कैड है, ये ऑटो कैड 2012 के साथ चलेगा, 2011 का वर्जन है ये इधर हमारे पास। तो इधर से मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं ईगल पॉइंट 2001 है, इधर से आपने इसको ओके करना है तो आप ये इसको आप देखेंगे आपके पास एक फाइल इधर ओपन हो जाएगी प्रोजेक्ट एंड सब प्रोजेक्ट का। तो ये ईगल पॉइंट का सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको ऑटो कैड के ऊपर से मिल जाएगा, आपने इधर से इसको चेक कर लेना है। ये ईगल पॉइंट 2011 वर्जन है सारा, ये 2011 वर्जन जो होगा ये ऑटो कैड 2012 तक ये आपका चल सकता है। आप इस ऊपर भी आप वर्जन परचेज करना चाहते हैं परचेज कर लें, ट्रायल वर्जन ये आपको गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे तो उधर से आपको ये डाउनलोड मिल जाएगा 650 से लेकर 700 MB की। ये छोटा सा सॉफ्टवेयर रहेगा, बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। तो आपने इसके मतलब मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी चैनल के अंदर आकर उसको देख सकते हैं। तो उधर से आपने सबसे पहले उधर से न्यू के ऊपर आना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट सब प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये ईगल पॉइंट प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहा है, इधर से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। इधर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आप के पास जो प्रोजेक्ट का नाम है आपने इधर कर देना है। मैं इधर क्रिएट क्रॉस सेक्शन का इधर एक प्रोजेक्ट बना देता हूं। तो आप इधर पर नाम देते हैं, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट ड्राइंग के ऊपर आ जाना है। इधर से आपने ब्राउज करना है जिधर आप अपनी ड्राइंग को बनाना चाहते हैं आप बना दें, कोई फोल्डर डेस्कटॉप पे बना दें, CD, E ड्राइव किसी ड्राइव में भी आप एक फोल्डर इसका बना दें ताकि इसकी जो ड्राइंग्स हैं सारी उसके अंदर जाएँ। तो ये मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ था, इधर से आपने कोई भी ड्राइंग आपके प्रोजेक्ट की जो ड्राइंग है आप नाम देना चाहते हैं आप दे दें इसका, इधर कोई भी नाम दे दें। तो मैं इधर से .DWG कोई भी ड्राइंग एनी ड्राइंग का नाम आप दे दें, इसको आप इधर से ओपन कर लें, ये ड्राइंग इधर आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं प्रोटोटाइप सेटिंग्स हैं आपकी इधर, ये आपके पास इधर फिट्स में है, मीटर्स में, आर्किटेक्चर फिट्स में और आर्किटेक्चर डिफ़ॉल्ट में है। तो आप किसी भी सेक्शन के अंदर ये इसके बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, आप फिट के अंदर भी बना सकते हैं, मीटर्स के अंदर भी। तो हमने मीटर्स के अंदर काम करना है तो आपने जैसे इसको मीटर्स कर देना है, सेट करने के बाद आपने इसको प्रोटोटाइप जो ड्राइंग्स हैं वो सेम टू सेम डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, जो ऊपर आपकी आएगी उस हिसाब से इसका नाम बना देगा। इधर से आप इसको फिनिश कर देना है, फिनिश करेंगे तो हमारा इधर मेन प्रोजेक्ट इधर क्रिएट हो जाएगा, ये हमारा मेन प्रोजेक्ट होएगा। इसके बाद आपने दोबारा इसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट रखते हुए आपने जैसे न्यू के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। तो ये आप देखेंगे इधर ईगल पॉइंट प्रोजेक्ट है, एडिशनल ड्राइंग है, रोड कैल्क है और स्टॉर्म वाटर स्टेशनरी और वाटर सप्लाई सर्विस के हैं। तो आपने हमने इधर काम करना है रोड कैल्क के ऊपर, तो हम रोड कैल्क के ऊपर इसको बनाएंगे। तो आपने रोड कैल्क को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है और इधर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दें, कोई भी आप नाम दे दें
रोड वन मैं जैसे नाम दे देता हूँ, मैं जैसे क्लिक करके उसको जैसे फिनिश करूँगा तो ये आप मेरा मेन प्रोजेक्ट होएगा ग्रेड क्रॉस सेक्शन, और उसके बाद रोड कैल्क का प्रोजेक्ट मेरे पास आ जाएगा रोड वन के नाम से। तो जैसे मैंने उसको इधर ओके कर देना है, ओके करूँगा तो इधर मेरे पास ऑटो कैड 2012 जो है वो इसके साथ ओपन हो जाएगा, जो इसके साथ मैंने जब इंस्टॉल किया होगा जिस वर्जन के साथ भी, तो वो वर्जन इधर हमारा ओपन हो जाएगा। तो आपने उसको इसी तरीके से ओपन कर लेना है। तो ये आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास मेन ड्राइंग ओपन होगी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हमें इसकी किसी भी, हमें इधर प्लान नहीं बनाना, ये आप आते हैं तो इधर अलाइनमेंट आ जाएगी, ये सेक्शन क्रॉस सेक्शन है। इस टेबल को हम इधर से यूज़ करेंगे, प्रोफाइल को हम यूज़ करेंगे, उसके बाद टिपिकल सेक्शन प्रोसेस और इसमें क्रिएट क्रॉस सेक्शन। तो इसमें इसके लिए हम जो क्रॉस सेक्शन अभी बना रहे हैं तो ये हम बनाएंगे अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल के हिसाब से, कि डिज़ाइन प्रोफाइल हमारे पास है, ये हमारे पास डिज़ाइन प्रोफाइल है ये आप देख रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास इधर NSL का डेटा आएगा। तो हमने इन डेटा के हिसाब से इधर जस्ट इसके अंदर क्रॉस सेक्शन को ड्रा करना है, हमने कोई प्रोफाइल डिज़ाइन नहीं करनी, कोई हमने इसके अंदर प्लान की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने प्रोफाइल के ऊपर आके और इधर से इसके ऊपर काम करना है हमने जो हमारे पास ड्राइंग के ऊपर है। तो आपने इधर से सबसे पहले हम अपने क्रॉस सेक्शन को इधर इम्पोर्ट करेंगे, तो ये इम्पोर्ट वाला ऑप्शन इधर आपको इधर नज़र आ रहा है। तो आपने क्रॉस सेक्शन वाले टैब के ऊपर आ जाना है इधर से, और सबसे आगे आप आएंगे तो इधर आपके पास इंपोर्ट वाला ऑप्शन होएगा, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो टेबल आपके पास ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर ये आप इसको जैसे फॉर्मेट को क्लिक करेंगे तो ये सारे फॉर्मेट आपके सामने हैं। आप इधर जिस फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नीचे उसका स्टाइल और उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा सारा, इसमें से जो जो से भी आप देखना चाहते हैं। तो आपने इसमें से स्टेशन एंड ऑफसेट वाला ऑफसेट आपने सेलेक्ट करना है, तो ये आप देख सकते हैं स्टेशन एंड ऑफसेट एक ऑप्शन है, और दूसरा स्टेशन ऑफसेट कॉमा डेलिमिटेड है। तो आपने इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो आप इधर से मैं इसको स्टेशन ऑफसेट कॉमा डेलिमिटेड को सिलेक्ट कर देता हूँ, जिसके अंदर मेरे पास आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले इधर स्टेशन लिखा हुआ है, कोई भी स्टेशन है तो ये स्टेशन लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास आगे डिस्टेंस है, और उसके बाद उसका एलिवेशन है। तो ये स्टेशन कॉमा डेलिमिटेड को मैंने इधर से मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो अभी आपने सबसे पहले अपने एक्सेल के ऊपर आ जाना है, एक्सेल के ऊपर जब आप आएंगे तो आपने इसके फॉर्मेट को उसके फॉर्मेट के हिसाब से स्टेशन ऑफसेट एलिमेटेड के हिसाब कॉमा डेलिमिटेड के हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि उधर आपने जब हमने इसको इधर देखा तो ये आप देख रहे हैं कि इधर इसके साथ स्टेशन आ रहा है, फिर डिस्टेंस आ रहा है, और फिर इसके साथ एलिवेशन है, ये 100 एलिवेशन है। तो ये फॉर्मेट को रिपीट कर रहा है कि भाई ये सारा इसी तरह होएगा। तो हमने सबसे पहले ये 0 वाला हमारी RD इधर, तो आपने इधर सामने आना है और इधर 0 इंटर कर देना है, सिर्फ आपने इधर से वैल्यू इंटर करनी है, आपने इधर सामने तक आ जाना है इधर। उसके बाद आपने इधर सेकंड नंबर के ऊपर हमारी 50 वाली RD है, आपने 50 इधर से इंटर करना है और इधर नीचे तक उसके सामने तक आपने कर देना है। इधर इसी तरीके से आपने इधर 100 वाली RD के ऊपर आ जाना है, और इधर से आपने इसको इधर सामने तक कर देना है 150, आपने इधर इसी तरीके से इसको लिखते जाना है और इधर करते जाना है। दूसरे नंबर के ऊपर आप इसको इसी तरीके से फॉर्मेट को, जो आपने एक वैल्यू लिखी है उसको आप जल्दी करना चाहते हैं तो सारे फॉर्मेट को आप नीचे तक कॉपी कर दें, जो भी आपने 00 वाली RD आपने लगाई थी तो अभी उसके हिसाब से बन कर दी है। तो अभी इधर मेरे पास 200 के ऊपर चेंज हो रही है, तो मैंने इधर से इसको 200 करना है, और इधर सेलेक्ट करके मैं डबल क्लिक करता जाऊँगा तो ये RD मेरा इधर से चेंज होता जाएगा। इसी तरह 250 है, 250 के सामने मैंने इसके बाद डबल क्लिक कर देना है। इसी तरीके से मैंने इधर 300 के ऊपर आना है, तो 300 के ऊपर मैंने इधर इसको डबल क्लिक कर देना है 350। ये आपने इसी तरीके से इसको इधर से चेंज कर देना है। सबसे पहले इसकी RDs आपने इधर साइड के ऊपर इधर लिखनी है। अगर तो आप ये नया बना लें फॉर्मेट तो फिर आपने इधर से उसकी RD पहले लिखनी है, उसका डिस्टेंस और उसका एलिवेशन। तो अगर आपके पास फॉर्मेट पहले बना हुआ है जिसमें हम मैनुअल ऑटो कैड के ऊपर काम करते हैं, तो उसको अगर आपने चेंज करना है तो आपने इसी तरीके से उसको चेंज कर देना है। सबसे पहले आपने इसकी इधर से RDs को चेंज कर देना है, उसके ऊपर RD आपने इधर जो फर्स्ट कॉलम होएगा उसके ऊपर आपने इसको RDs को इधर बना देना है। 600 वाली RD आ गई मेरे पास, ये मैं आपके सामने करता जा रहा हूँ, बहुत ही आराम के साथ काम कर रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस इसका समझ आ जाए। तो ये थोड़ी सी इसके अंदर आपको स्टार्ट के अंदर इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसके क्रॉस सेक्शन को ईगल पॉइंट के अंदर उसको इम्पोर्ट कराएंगे, और इम्पोर्ट कराने के बाद इसको हम इधर से ड्रा कर देंगे। तो आपने ये क्रॉस सेक्शन इसी तरीके से उसका जो फॉर्मेट है वो आपने इसका चेंज करते जाना है। आप अलग अलग अब इसको लिख सकते हैं, उसके बाद मैंने इसको एक फॉर्मेट लिख के मैंने एंड तक कॉपी कर दिया, और उसके बाद मैं आके इधर से इसको चेंज कर रहा हूँ। उसके जो RDs हैं, ये RDs इधर मेरी उसके बिल्कुल सामने आनी चाहिए जो मेरा डेटा जा रहा है इस डेटे के सामने। ये RD वाला जो कॉलम है ये इधर से इसको हम नहीं करेंगे इसे। तो इसी तरीके से आपने इनके सारे फॉर्मेट्स को आपने इधर से चेंज कर देना है।
सबसे पहले आपने इसके साइड के ऊपर आरडीएस को इनपुट करना है। तो ये इसमें स्टार्ट के ऊपर थोड़ा सा आपका टाइम लग जाएगा डेटा बनाते वक्त। उसके बाद आप जब इसको काम करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये बहुत ही आसानी के साथ ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट दस इसको ये कंप्लीट कर देगा। तो ये मेरे पास लास्ट आरडी आई है 1+200 की। तो इसी तरीके से आपने अपने जितने क्रॉस सेक्शन हैं इनको आपने इधर चेंज करके एक कॉलम आपने इधर ऐड कर देना। तो ये आप कॉलम इधर से मैनुअली ऐड कर सकते हैं इसके अंदर सारे। उसके बाद इस तरीके से भी मैंने आपको बताया, तो इसके अंदर आपने सबसे इधर आपने स्टेशन आपने इधर ऐड कर देना है। मैं इसे शॉर्ट की लिख देता हूँ, ये हमारे पास स्टेशन है इधर। इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस आ गया, उसके बाद एलिवेशन है। उसके बाद आपने इधर इसके साथ वाले कॉलम के ऊपर आ जाना है। इस कॉलम को मैं थोड़ा सा इधर से बड़ा कर देता हूँ। तो आपने इन डिस्टेंस एलिवेशंस को आपने इधर से ज्वाइन करना है कामा की शेप के अंदर, उस शेप के अंदर जिस शेप के अंदर आप अपना पॉलीलाइन बनाते हैं ड्रा करने के लिए क्रॉस सेक्शन के ऊपर या कोऑर्डिनेट के ऊपर। तो आप इसके दो मेथड हैं, आपने इधर से इज इक्वल टू आ जाना है और इधर से आपने मोर फंक्शंस के ऊपर चला जाना है और इधर से आपने ये हमारे पास ये कॉन्टिनेंट है तो ये आपने जैसे उसको सिलेक्ट कर लेना। नंबर वन के ऊपर आपके पास ये इधर कॉलम सामने आ जाएगा। आपने जैसे डिस्टेंस को सिलेक्ट करना है, इधर आपने कॉमा ले आना है, फिर आपने इधर नीचे के वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है इसका डिस्टेंस, उसके बाद आपने इधर से कॉमा लगा देना है और थर्ड नंबर के ऊपर आपने इसका एलिवेशन इधर से सिलेक्ट करके ओके कर देना है। ओके करके आपने इसको इधर नीचे तक इसके बराबर तक आपने पेस्ट कर देना है, इससे आपने नीचे नहीं जाना है। पहला फॉर्मेट हमारे पास कॉन्टिनेंट का था, सेकेंड नंबर के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं इज इक्वल टू। आप ले आए इधर से आप आरडी को सिलेक्ट कर रहे हैं और इधर से आपने एंड लगाना है कीबोर्ड की मदद से, डबल कॉमा सिंगल कॉमा डबल कॉमा एंड। उसके बाद आपने जैसे डिस्टेंस को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने इसी तरीके से एंड लगाना है, डबल कामा सिंगल कामा डबल कामा, उसके बाद एंड और उसके बाद आपने इधर एलिवेशन। तो ये आप इसको भी इसी तरीके से बना सकते हैं, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। आपने कॉन्टिनेंट यूज़ करना है तो आप इसको इधर कर सकते हैं, और अगर आप जनरल आप इसका एंड वाला और डबल कामा यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ करके इसको आप ज्वाइंट कर लें, उसके बाद आप इसको इधर से कॉपी करते जाएँ और इधर आपने इधर इसको पेस्ट करना है और इधर से आपने इसको डबल क्लिक करके नीचे तक ले आना है। इधर तक इनके सामने सामने आपने इस फॉर्मेट को आपने इसी तरीके से कॉपी करते हुए आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, सबके सामने पेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए। तो आपने इसी तरीके से ये इस फार्मूले को इधर सबके सामने सिंगल वन क्लिक के ऊपर आपने इसको पेस्ट करते जाना है, कंट्रोल भी करते जाना है, या जैसे आपने इसको फार्मूले को पेस्ट करते जाना है। कोई भी फार्म आप यूज़ कर सकते हैं इसका। तो आपने इसी तरीके से इनको सामने इसका फार्मेट आपने बनाना है जिसके ऊपर कि हमने ईगल पॉइंट के अंदर इसको इम्पोर्ट कराना है। तो ये आपने इसी तरीके से जो फार्मूला ऊपर लगाया हमने तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने का, तो आपने इधर से इसको ज्वाइन करते जाना है इसका पूरी आईडी के सामने। आप सिंगल सिंगल आप इसको पेस्ट कर दें सबसे पहले, उसके बाद आप इसको कॉपी करके इसको एंड तक ले आएँ। तो ये आप ये देख रहे हैं कि इधर ये मैं इसको उसके बिल्कुल सामने सामने तक पेस्ट करता जा रहा हूँ, पेस्ट हो गया। इधर से मैंने इसको कॉपी करके उसके सामने तक मैं ले आऊँगा। तो इसके अंदर जो आपको जो गैप आ रहे हैं इसका मसला कोई नहीं है, आपका जितना मर्जी गैप हो जाए 2 सेल 4 सेल 6 सेल, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आपने लाजमी नहीं है कि इसके आपने बस में देखना है कि ये जो आपका डेटा आ रहा है पूरा ये आपका कंटिन्यू होना चाहिए, इसके अंदर हमारे पास कोई गैप ना हो। तो आपने इसी तरीके से सबसे पहले इस फार्मूले को लगा के और सबके ऊपर आपने इसको अप्लाई कर देना है। नीचे वाला जो कॉलम खाली है उसको आपने इधर कुछ भी नहीं रखना है, इसको आप छोड़ दें सेल्स को, इनको सेल्स को ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपके पास 4-6 सेल भी बीच में बच जाते हैं 10 सेल, उसका हमें कोई मसला नहीं है। तो आपने इस ये फॉर्मेट हमने बनाया है कॉमा डेलिमिटेड स्टेशन ऑफसेट और एलिवेशन का, ये हमने ईगल पॉइंट के लिए इधर इसको बना दिया है। आपने अपने क्रॉस सेक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपने डेटे को इधर ड्रा कर देना है। ये क्रॉस सेक्शन बनाने का मकसद ये है कि आपके पास अगर डेटा हार्ड शेप में, जाहिर बात है कि मैक्सिमम रोड के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं सबके अंदर सिविल 3D या ईगल पॉइंट डिज़ाइन वो डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़ नहीं होते हैं, उसके ऊपर हम डिज़ाइन बना सकते हैं अपना, उसमें सरफेस बना सकते हैं अपना। उसके बाद जो हमने काम करने होते हैं जिस तरह के हमने NSL पढ़ने हैं उधर, उसके बाद उसका क्रॉस सेक्शन ड्रा करने हैं, तो वो मैक्सिमम पाकिस्तान इंडिया वगैरह में वो सारा कुछ वो मैनुअल यूज़ होता है, मैनुअल तरीके से काम होता है। तो ये आपने किस मैनुअल क्रॉस सेक्शन को कैसे ड्रा करना है, तो ये आपने अभी ये हमने सारे बना दिए सारे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने सारा डेटा एंटर कर दिया है। इधर से भी आपने इस सेल को सबको ये फॉर्मेट को आपने सिलेक्ट करके और एंड तक इधर एंड जो आईडी होएगी उधर तक आपने इसको सिलेक्ट कर देना है और इधर से आपने इसको कॉपी कर लेना है। इस फॉर्मेट को आप कॉपी करेंगे, आप इधर
विंडो के ऊपर आ जाए और इधर से आपने नोट पैड, जो नोट पैड आपका आ जाएगा, आपने इधर से नोट पैड को ओपन कर लेना है और इधर आके आपने जस्ट इसको इधर पेस्ट कर देना। तो ये आप पेस्ट करेंगे तो ये देखेंगे आपका वो जो एक्सेल के अंदर हमने इधर से स्टेशन और उसका डिस्टेंस और एलिवेशन हमने बनाया था उसका फॉर्मेट इधर हमारे पास आ गया। इस फाइल को आप सेव कर दें अपने किसी जगह के ऊपर भी, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, या आप जो सा भी आप अपने जो प्रोजेक्ट क्लियर किया क्रिएट किया है ईगल पॉइंट का उसके अंदर कर सकते हैं। तो ये जो सा भी रोड का डेटा होगा, तो ये हमारा इधर रोड वन का NSL था ये, तो अब हम रोड वन इधर NSL डेटा इसकी जो टेक्स्ट फाइल है उसको हम बना के इधर कुछ सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप इसको इधर से क्लोज कर दें। तो इधर से आपने इसी तरीके से जिधर आपने वो फाइल रखी है, तो आपने इधर से ये जो फॉर्मेट था स्टेशन ऑफसेट कॉमा डेलिमिटेड का ही हमने क्रिएट कर दिए, इसको हमने इंपोर्ट कराना है। तो आप फाइल वो बनाने के बाद वो वाली फाइल, तो आपने इधर से क्रॉस सेक्शन के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने इम्पोर्ट्स वाले ऑप्शन को आपने क्लिक करना है और इधर से आपने सबसे पहले आके स्टेशन ऑफसेट आप एस प्लस करेंगे तो ये आपके पास एस वाली लाइन में चला जाएगा। तो इधर आप ये देख सकते हैं हमारे पास इधर के स्टेशन ऑफसेट कॉलम कॉमा डेलिमिटेड की फाइल फॉर्मेट को आपने जैसे सेलेक्ट कर लेना, ये आपका आ जाएगा। और जैसे आपने ये सेलेक्ट फाइल टू इंपोर्ट है, तो आपने जैसे इसको क्लिक करना है, तो आपने इधर से अपने उसी फोल्डर के ऊपर आ जाना है जिधर से आपने क्रॉस सेक्शन हम बनाना चाहते हैं। तो इधर ये आप इसको फाइल को आप सर्च कर सकते हैं, ये रोड वन NSL की फाइल हमारे पास आ रही थी, आप इसको इसमें के अंदर भी रख सकते हैं और किसी और के अंदर भी। आप इसको जैसे राइट क्लिक करके ओपन कर लें तो ये आपके सामने इधर उसका फॉर्मेट भी इधर ओपन हो जाएगा। तो ये फाइल हमारे पास वही है, तो आपने जैसे इसको सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। ओपन करेंगे तो ये आप देखेंगे कि नीचे ये सिलेक्टेड फाइल का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास जीरो, और वही जो हमने इधर उसके जो फॉर्मेट बनाया था डिस्टेंस और एलिवेशन कॉमा के ऊपर ये आ रहा है। तो इधर से हमने जस्ट को सिलेक्ट करने के बाद इधर से हमने ओके कर दे रहे हैं, बस ओके करना है। तो ये फाइल इधर हमारे पास इधर इसकी इम्पोर्ट हो गई है। तो क्रॉस सेक्शन के ऊपर आना है और आपने इधर से क्रॉस सेक्शन एडिट डेटा के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे 0, 50, 100, 150 जो जो सी हमारी RDA हमारी बनी हुई थी वो सारी आ गई हैं, और नीचे इन कॉलम्स के ऊपर उसकी डिटेल आ रही है। सबसे पहले हमारे पास ऑफसेट लेफ्ट साइड का, उसके बाद लेफ्ट साइड का 44, उसका एलिवेशन, इसी तरह उसका डिस्टेंस, उसका एलिवेशन, डिस्टेंस, एलिवेशन, सेंटर लाइन, और इसी तरीके से राइट लेफ्ट। तो आपने जिधर तक हमने ये 1+200 तक का डेटा था, तो ये डेटा हमने इधर से इंपोर्ट कर लिया है। आप इस डेटा को देखना चाहते हैं तो आपने इधर से इस दूरबीन को आपने जैसे क्लिक करना है इसको आपने, तो इधर ये आप ये देखेंगे कि ये हमारे पास 1+200 का जो NSL की जो फाइल थी वो जो क्रॉस सेक्शन था वो इधर उसका पूरा डेटा इधर वो प्लाट हो जाएगा। तो ये प्लाट आप हमने इसको इंपोर्ट करा के इसके अंदर सारा रख लिया है, इधर से इसको हमने क्लोज कर लेना है इसको। इसके बाद हमने इधर से इसके प्रोफाइल को ड्रा करना है, तो आपने इधर से थर्ड नंबर के ऊपर प्रोफाइल के ऊपर थर्ड नंबर सेल के ऊपर आ जाना है, उधर से व्यू प्रोफाइल ग्राफिक्स को आपने क्लिक करना है। इंपोर्ट्स कराने के बाद क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ये आप देखेंगे आपकी ये NSL की जो लाइन थी, सेंटर लाइन के जो एलिवेशन थे हमारे, उसके ऊपर ये इसने हमारी प्रोफाइल ड्रा कर देनी है। ये हमारी सारी प्रोफाइल, वो जो हमारे पास NSL के जो एलिवेशन थे, ये सरफेस प्रोफाइल आप उसको कह सकते हैं, NSL की प्रोफाइल, ये इधर हमारे पास ऑटोमेटिकली इधर ड्रा हो जाएगी इन क्रॉस सेक्शंस की मदद से। ये जो क्रॉस सेक्शन जितने हमने ड्रा किए इनके ऊपर जो सेंटर का लेवल आ रहा था वो उस लेवल की मदद से इधर हमारे पास उसकी प्रोफाइल ड्रा हो जाएगी। तो उसके बाद आपने इधर से आ जाना है अपने डिज़ाइन प्रोफाइल के ऊपर। ये आप देख सकते हैं ये कैसर मलिक प्रोजेक्ट है, ये हमारे पास क्रिएटिंग क्रॉस सेक्शन के लिए है। 40 मीटर वाइड फिट रोड है, रोड वन के हैं इधर हमारे पास डिज़ाइन सुपर डिज़ाइन इसकी प्रोफाइल एलिवेशन है। ये हमारे पास डिज़ाइन टॉप FRL एलिवेशन है, ये हमारे पास आ रहे हैं 00 RDA 25, 50, 50, 25, 5 मीटर के ऊपर ये एलिवेशन है। उसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग है, तो हमें इसके अंदर इसका स्टेशन और इसका एलिवेशन चाहिए। तो ये आपके पास अगर हार्ट शेप के अंदर भी मौजूद है, आपके पास प्रोफाइल मौजूद है, तो आपने जैसे जस्ट उसका स्टेशन सबसे पहले इधर इंटर कर देना है। मैं आपको ये बता देता हूँ, आपने जैसे इंटर करने के बाद इधर आपने जो सा भी आपका सेंटर लाइन का एलिवेशन आ रहा है वो आपने जस्ट इधर से एलिवेशन और उसका RD आपने इधर इसके अंदर नोट कर देनी है। आपको इसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो आपने अपनी ड्राइंग के ऊपर से देख के और इसको नोट कर सकते हैं, इस तरीके का फॉर्मेट बना सकते हैं। इसके अंदर हमें इसमें जो उसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग
नर्सिंग स्टिंग का कॉलम्स हैं, ऑफसेट के कॉलम्स हैं, ये हमें नहीं चाहिए, इसको मैं जैसे ख़त्म कर देता हूँ। तो ये मेरे पास स्टेशन और ये मेरे पास एलिवेशन, टॉप के जो एलिवेशन है वो मेरे पास आ जाएंगे बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट और इसी तरीके से एंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये मेरे पास इसके टॉप लेवल्स आपने जो ड्राइंग आपके पास होगी वो आपने जैसे नोट कर लेने। नोट करने के बाद सबसे पहले ईगल पॉइंट के अंदर प्रोफाइल बनाने के लिए, ईगल पॉइंट जब अपने एलिवेशन को लेता है तो वो 10 के स्केल से लेता है, 1:10 के। तो ये आपके पास जो भी एलिवेशन आ रहा होगा इसको आपने जैसे मल्टीप्लाइड बाई आपने इज इक्वल टू लगाना है, जैसे आप इसको सिलेक्ट करना है और मल्टीप्लाइड बाई आपने जैसे 10 कर लेना है। ये 10 के ऊपर आप करेंगे तो ये आपकी उधर एग्जैक्ट ड्रा होगी, उसको वो लेगा, तो ये उसका फार्मेट है। तो आपने इसी तरीके से इसको इसके एलिवेशन को मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देने। 10 करने के बाद आपने इसको नीचे तक पेस्ट कर देना है, सारे एलिवेशंस को आपने 10 का स्केल लेके और 10 का वर्टिकल स्केल देके वैल्यू को इसकी चेंज कर देना है। पहले हमारे पास 710.99 था तो उसके बाद आ जाएगा 7190.99। तो ये 1:10 का स्केल है हमारे पास। इसके बाद आपने इसको स्केल के अंदर ड्रा कन्वर्ट करने के बाद आपने सेम टू सेम वही फार्मूला आपने जैसे इज इक्वल टू लेना है और जैसे आपने स्टेशन को सिलेक्ट कर लेना है एंड डबल कामा सिंगल कामा डबल कामा एंड, और उसके बाद आपने ये 10x का जो आपने लेवल्स के ऊपर स्केल लगाया था उसको आपने जैसे सिलेक्ट कर लेना है और इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। तो इसी तरीके से आपने इसको सेकंड नंबर के ऊपर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, इज इक्वल टू लगाना है, RD आपने सिलेक्ट कर देनी है एंड डबल कामा सिंगल कामा डबल कामा, उसके बाद एंड लगाना है और उसके बाद एलिवेशन जो 10 का स्केल वाला था उसको आपने जैसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको इधर तक नीचे तक आपने इसको पेस्ट कर देना, तो ये आपका पूरा फॉर्मेट उसी तरीके से इधर बन जाएगा, आखिर तक आपका ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इधर से इसको डबल क्लिक करके इसको सबको एंड तक आपने सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने जैसे उसको कॉपी करना है। कॉपी करेंगे उसके बाद आपने जैसे ईगल पॉइंट के ऊपर उसी प्रोजेक्ट के ऊपर चले जाएं, ये प्रोफाइल वाली लाइन के ऊपर। तो ये जो हमने ग्राफ्स इधर हमने बनाया था इस प्रोफाइल लाइन के ऊपर आपने नीचे कमांड बार के ऊपर आना है और पॉली लाइन की कमांड ले लेनी है, PL की। पॉली लाइन की कमांड लेने के बाद आपने जैसे राइट क्लिक करके वो जो हमने FRL कॉपी किए थे उसको आपने इधर पेस्ट कर देना है। आप पेस्ट करेंगे तो ये देखेंगे कि ये हमारे पास पूरा इधर ड्रा हो जाएगा, एंड तक ड्रा हो जाएगा। इसमें क्रॉस सेक्शन हमारे पास आगे तक पड़े हुए हैं, 1+200 तक पड़े हुए हैं, और जो हमारे पास इधर डेटा आया इसका रोड 1 का वो हमारे पास था 14.91 तक का। तो उसमें मसला नहीं है, अगर आपने इसको 1200 तक आपने बनाना है तो आप इसको इसी तरीके से आगे तक आप बनाना नहीं चाहते तो आप 1+200 तक आप इसको इधर से कॉपी कर लें, नीचे वाले डेटा को आप छोड़ दें। जो सा एक्स्ट्रा डेटा है उसको आप नहीं बनाना चाहते या आपके पास डेटा नहीं है तो आप उसको ना बनाएं। आपने इसी तरीके से 1+200 तक जिधर तक आपका डेटा है आपने इधर तक उसको लाना है पॉली लाइन की कमांड लेके और पेस्ट करके इसके बराबर तक आपने इसको लगा देना है। तो ये हमारे पास डिज़ाइन प्रोफाइल के लेवल हमने इधर प्लॉट कर लिए, इसको भी हमने ईगल पॉइंट के प्रोफाइल के ऊपर कन्वर्ट करना है। तो आपने इधर प्रोफाइल के ऊपर आ जाना है और कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू प्रोफाइल, ये कन्वर्ट ऑब्जेक्ट प्रोफाइल को आपने क्लिक करना है। तो अभी आप एडिट डेटा के ऊपर आते हैं तो आप देखते हैं कि ये हमारे पास इधर खाली है, इसके अंदर कोई डेटा वगैरह नहीं है। तो आपने इधर से कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू प्रोफाइल को आपने जैसे क्लिक करना है और जो वाइट कलर की हमारी लाइन आ रही है जो कि हमने डेटा कॉपी करके लगाया था इसको सिलेक्ट करना है और जैसे हमने नेक्स्ट करके और जैसे फिनिश कर देना है। फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे इसकी लाइन का कलर चेंज हो जाएगा इधर से, और चेंज होने के बाद आपने जैसे एडिट डेटा के ऊपर आना है तो ये सारा डेटा हमारे पास इधर आ जाएगा। तो इस डेटा, चूँकि हमने ये डेटा जो रखा है ये हमने डिज़ाइन प्रोफाइल के हिसाब से जो हमारे पास था, हमने इसके अंदर PI नहीं लगाई, सिर्फ डिज़ाइन प्रोफाइल गिवन हमारे पास इसके NSLs वगैरह इसके एलिवेशन मौजूद थे, हमने एलिवेशन को डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। तो उसके ऊपर हमें उसकी प्रोफाइल लगाने की इधर ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर वर्टिकल कलर्स वगैरह जो पास हमारे पास डेटा था डिज़ाइन प्रोफाइल के ऊपर उस डेटा को हमने इधर लगा दिया। तो इधर हमारे पास दो प्रोफाइलें बन गई हैं, एक हमारी NSL की सरफेस प्रोफाइल बन गई है और दूसरी हमारे पास डिज़ाइन प्रोफाइल इधर से ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, हमने कर दी है इसके अंदर और बना दी है सर। तो इसके बाद आपने तो क्रॉस सेक्शन के ऊपर आना है और मैनेज सरफेस को आपने जैसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे सबसे पहले मैनेज सरफेस के ऊपर ओरिजिनल ग्राउंड लेवल ये जो हमारे नीचे आ रहे हैं ग्रीन कलर के ये आ रहे हैं। उसके बाद आपने डिज़ाइन के ऊपर आ जाना है, डिज़ाइन के ऊपर आने के बाद आपने जैसे न्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने अपने टिपिकल सेक्शन के हिसाब से इधर आ जाना है। तो आपने सबसे पहले ऊपर आपने अपनी स्फाल्ट की जो लेयर है आपने स्फाल्ट बनानी है, उसके बाद वाटर बाउंड है, उसके बाद सब बेस है, ये तीनों चीज़ें हैं। इसके अंदर आपके पास कोई और चीज़ भी ऐड है इसमें स्फाल्टिक 1, 2, 3, 4 भी है तो आप उसको भी कर सकते हैं। आपने इधर हमारे पास इधर स्फाल्टिक वेयरिंग है, वाटर बाउंड है और सब बेस है। तो ये तीनों सरफेस हमने इसके अंदर क्रिएट करनी है। सबसे पहले हमने इधर से
इस फॉल्ट वेरिंग को हम AWC का नाम दे देते हैं, शॉर्ट में नाम लिखते हैं, ज़रूरत नहीं है लंबा नाम लिखने की। अप्लाई कर दें तो आप ये देखेंगे नीचे हमारे पास AWC इधर से अप्लाई हो गया है। दूसरे नंबर वाटर बाउंड मैगडम है तो आप WBM उसका जो शॉर्ट की है वो आप इधर से लिख दें और ओके कर दें, अप्लाई कर दें। या आप देखेंगे स्वाल्ट वेरिंग और WBM उसी तरीके से नीचे सब बेस है तो आपने इधर से सब बेस इधर से लिख के और ओके कर देना है। तो आप ये देखेंगे वापस इधर तीनों किस्म की सरफेस इधर ड्रा हो गई है। ये हमारी डिज़ाइन की सरफेस होंगी, इसको हमने टिपिकल के अंदर यूज़ करना है, उसके सेक्शन को हमने बनाना है। तो आपने ये तीनों सरफेस को बनाने के बाद इधर से उसको ओके कर देंगे तो ये हमारे पास सरफेस इसकी इधर बन जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट टिपिकल सेक्शन के ऊपर प्रोफाइल के बाद हमने इधर प्रोफाइल ड्रा कर दी, इसके अंदर हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, हमने डिज़ाइन को नहीं बनाना, आपने टिपिकल सेक्शन के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने सबसे पहले मैनेज टिपिकल सेक्शन को आपने क्लिक करना है। तो आप ये देखेंगे हमारे पास इधर कोई टिपिकल सेक्शन मौजूद नहीं है, तो हम उसके लिए सबसे पहले जैसे न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और कोई भी टिपिकल सेक्शन का हम जो नाम देना चाहते हैं, सेक्शन ए का नाम हम देना चाहते हैं, तो हम इधर से उसका नाम दे के एंटर कर देंगे और इधर से नीचे उसका व्यू को हम क्लिक कर देंगे। हम व्यू को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हम इसके जो डिफ़ॉल्ट जो इसका असम्बली है उसके अंदर हम चले जाएंगे। इधर से हमने उसके टिपिकल को बनाना है, इन टिपिकल्स को इसी डिटेल में इसकी जो ऊपर विड्थ वगैरह लिखी हुई है, ये 40 मीटर का हमारे पास पूरा सेक्शन था, सेंटर लाइन से 20 मीटर यानी कि कैरिज भी हमारे पास इधर 9 मीटर है, शोल्डर हमारे पास 5 मीटर है, उसके बाद ग्रीन बेल्ट है हमारे पास 6 मीटर की, उसके बाद हमारे पास स्लोप जा रही है 1.5 × 1 की। तो हमने ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इस पोर्शन को हमने इधर इसी तरीके से ड्रा करना है, सारा इनके डिज़ाइन को भी ड्रा करना है। तो ये कर्व स्टोन वगैरह जो लगा हुआ है ये हमने इसके अंदर नहीं बनाना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हम अपने उसको जब हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो उसके अंदर हम खुद ब खुद इसको इंपोर्ट करेंगे, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आपने इधर से सबसे पहले अपने इस टिपिकल सेक्शन के जो व्यू है उसके ऊपर आ जाना है, इधर से इसको क्लोज कर देना है और टिपिकल सेक्शन के ऊपर दोबारा आना है और कंस्ट्रक्ट टिपिकल सेक्शन के ऊपर आपने इधर से क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है प्रीसेशंस इनपुट, तो आपने उसको इधर से क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले हमारे पास इधर XX का नाम आ रहा है तो हमने इधर से इसी को इसी तरीके से इंटर कर देना है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे हमारे पास DX का मतलब हमारे पास है डिस्टेंस हमारे पास पहला कितना है, हमारे पास 9 मीटर का हमारे पास डिस्टेंस है, ये 9 मीटर का, तो हमने इसको पहले 9 मीटर के ऊपर इधर इसकी लाइन को इधर लगा देना है। तो हमने इधर इसका 9 मीटर का इधर से डिस्टेंस दे देना है, इधर से कीबोर्ड की मदद से इंटर कर देना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर स्लोप को इंटर करना है, स्लोप हमारे पास इधर जा रही है -2% की, तो आपने इधर से आना है और इसके ऊपर इसी तरीके से इस टेबल के अंदर आपने -2 करके इधर इंटर कर देना है। उसके बाद PT कोड है उसको आपने 0 कर देना है, उसके बाद फिर ये एक्सेस आ गया, आपने इसको जैसे इंटर कर देना है और नेक्स्ट आपने अपने टिपिकल सेक्शन के ऊपर आ जाना है। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास इधर से 5 मीटर का शोल्डर है और 6 मीटर की जो ग्रीन बेल्ट है वो ग्रीन बेल्ट भी हमारी ऊपर ही आती है, तो 5 + 6 = 11 मीटर का हमारे पास इधर आगे डिस्टेंस है जिसके अंदर ग्रीन बेल्ट शोल्डर्स वगैरह हैं और 2% की स्लोप है। तो हमने इसके ऊपर इसी तरीके से इधर जो डिस्टेंस होएगा उससे आगे वाला 11 मीटर का हम डिस्टेंस टोटल एंटर करेंगे और -2% की हमने इधर से स्लोप को एंटर कर देना है। एंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे नीचे हमारे पास ये पूरा सेक्शन उसी तरीके से ड्रा हो गया जिस तरीके से हमने इसके ऊपर बनाया था। तो ये आप इसको इधर से एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास दोनों किस्म की स्लोप्स इधर आ जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास इधर मेन कैरिज वे वाला पोर्शन आ जाएगा और सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास इधर से जो ग्रीन बेल्ट वाला पोर्शन था वो आ जाएगा। तो इधर हमने ये दोनों पोर्शन हमने अपने बनाए हैं, सबसे पहले 9 मीटर और उसके बाद हमने इधर 5 + 6 = 11 मीटर का सेक्शन बना दिया और स्लोप उसकी सेम टू सेम जा रही है। तो ये हमने वन साइडेड के ऊपर बना, तो ये आप देख सकते हैं ये हमने इधर बना दिया है। इसको आप दोबारा भी मैं इधर आपको रिपीट करके ज़रा बता देता हूँ ताकि इसके अंदर सबसे अहम जुज़ जो होता है वो उसी चीज़ का होता है। तो आपने इधर से क्रॉस व्यू के ऊपर आ जाना है और सबसे पहले आपने XX इसके ऊपर लिख देना है, अगर ये नहीं भी लिखा हुआ तो आपने XS इसके ऊपर लिख के और इधर से इंटर कर देना है। तो ये आपका DX आ जाएगा डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस हमारा 9 मीटर का, वो आपने इधर से इंटर कर देना है। उसके बाद स्लोप जो भी जा रही है आपकी -2% जा रही है, -1.5% जा रही है, -2.5% जा रही है, आपने जस्ट इधर से स्लोप को इंटर करना है इधर और PT कोड को 0 रह के आपने इधर इंटर कर देना है। इंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे नीचे हमारे पास इधर ये लाइन उस पोर्शन की आ जाएगी, उसके बाद दोबारा XS इधर आ जाएगा, नहीं आया तो आपने लिख देना है, उसके बाद आपने इसको इंटर करना है। और सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास था 11 मीटर का डिस्टेंस, तो 11 मीटर आपने डिस्टेंस करना है और स्लोप थी हमारे पास
2% की, तो आपने -2% लगा के इधर स्लोप को लिख के और पीटी कोड को एंटर कर देना, तो आप ये देखेंगे दोनों लाइनें हमारे पास इधर आ जाएंगी। तो ये दोनों दफ़ा मैंने आपको थोड़ा बता दिया, आप इसको इसी तरीके से इसकी वर्किंग को कर सकते हैं। इसको आप इसके ऊपर जो लाइन लगाएंगे उसका क्या स्लोप के हिसाब से आपने लाइन लगानी होगी, तो एक्स एस के ऊपर आप लगाएंगे। उसके बाद इसी तरह टीपी का, तो अभी आप ये देख सकते हैं हमारे पास इधर 9 मीटर वन साइड पे, 9 मीटर टू साइड पे, और दोनों साइडों के ऊपर सेम टू सेम डिस्टेंस जा रहा है। तो इसको ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन होगी इसको हमने बनाना है, इसको सारा सबसे पहले हम इसको मिरर करेंगे दोनों साइडों के ऊपर टॉप वाली सरफेस के ऊपर, और उसके बाद नीचे हमने अपना डिज़ाइन लगाना है। तो सबसे पहले आपने जैसे इसी तरीके से इधर प्लान के ऊपर अपने आ जाना है, ये वन साइड की लाइन लगी हुई थी, तो आपने जैसे जो हमारे पास ये कंस्ट्रक्ट सेक्शन वाला आ रहा था इसको आपने इसी तरीके सामने रखना है, और ये आपको इधर मिरर नज़र आ रहा है लेफ्ट टू राइट, तो आपने इसको इधर से प्रेस कर देना है, मिरर कर देना है इस सेक्शन को, ये आपका लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे हो जाएगा। नीचे हमारे पास कट वाले सेक्शन के ऊपर भी ये सेम टू सेम आ रहा है, तो ये हमने सबसे पहले इधर कर देना है। उसके बाद हमने जे की कमांड लेके ज्वाइन करना है, तो हमने इधर से जे की कमांड लेनी है, जे प्रेस कर देना है, और ये दोनों जो पेवमेंट की जो लाइन थी इन दोनों को सिलेक्ट करके आपस में हमने इसको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करेंगे तो ये आप देखेंगे हमारे पास जो एंड वाला दोनों साइडों की जो पेवमेंट स्ट्रक्चर है वो इधर से पूरी एक लाइन के ऊपर आ गया है। जो शोल्डर है वो उसको आपने इधर से लगा रहने देना है। तो ये दरमियान वाला जो हमारे पास 18 मीटर का जो हमारे पास सेक्शन आ गया है, ये इसके ऊपर हमने इधर नीचे इसका ये ऑफसेट लगा देना है। स्वाल्ड बेयरिंग कोर्स 16 सेंटीमीटर, इस वाटर बाउंड हमारे पास 50 और सब बेस 50 सेंटीमीटर का, तो ये हमने इसका ऑफसेट अब इसके ऊपर से हमने इसको लगा देना है। डायरेक्ट आपने ऑफसेट की कमांड लेनी है, पहला हमारा ऑफसेट है 0.16, आपने इधर से लेके और इधर नीचे ऑफसेट इसका इधर नीचे लगा देना है। उसके बाद आपने दोबारा 0.5 हमारा वाटर बाउंड है, तो आपने इधर से ऑफसेट लेना है वाटर बाउंड का 0.5 नीचे लगा देना है, और सब बेस का भी नीचे ऑफसेट आपने इधर लगा देना है। ये ऑफसेट लगा देंगे तो ये नीचे आप देखने के ऊपर हमारे पास इधर स्वाट आ गया, नीचे हमारे पास सब वाटर बाउंड और नीचे हमारे पास सब बेस। तो आपने इधर से पॉली लाइन की कमांड लेनी है और इस पॉइंट्स को आपस में आपने इधर लगा के इधर से इसको आपने क्लोज कर देना है, जो आपका डिज़ाइन स्ट्रक्चर आ रहा है। हमारे पास इधर स्टेट आ रहा है। एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो मैं आपको इधर बता दूं कि हमारे पास जो इधर डिज़ाइन स्ट्रक्चर आ रहा है वो हमारे पास बिल्कुल इधर स्टेट आ रहा है, करोस्टोन लगा हुआ है, तो वो इधर से उसको मैच नहीं, वो उसमें कोई स्लोप नहीं जा रही किसी किस्म की, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास ये करोस्टोन इधर नहीं है और इधर आपके पास 1:1 की स्लोप है, F8 प्रेस करता हूँ, 1 जो पेवमेंट की स्लोप आती है 1:1, ये आपके पास ये स्लोप जा रही है ये वाली स्लोप, तो आपने इधर टिपिकल सेक्शन के ऊपर आपने इसी तरीके से आना है और लाइन की कमांड ले लेनी है, F8 प्रेस करके 1:1 आपने इधर लगा देना है, और इसको सी क्लोज करके ये लाइंस जो आपकी जाएंगी ये लाइंस आपने अपनी इधर तक कर देनी है। हमारे पास इधर स्ट्रेट लाइन आ रही थी तो हमने इसको स्ट्रेट लगाया। आपके पास अगर स्लोप जा रही है, कोई भी स्लोप जा रही है, तो वो आपने इसी तरीके से इसकी स्लोप इधर लगा के और इन पॉइंट्स को आपने इधर अपनी स्लोप तक, जो आपकी स्लोप जा रही है उधर तक आपने इसको एक्सटेंड कर देना है, आपने इसको वर्टिकल नहीं लगाना। अगर आपके पास ये, आप इस चीज़ का खास ख्याल रख लीजिए क्योंकि हर रोड का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अगर आपके पास ये स्लोप में जा रहा है तो आपने स्लोप लगा के इसको क्रॉस कर देना है, अगर क्रॉसस्टोन लगा के सीधा जा रहा है तो आपने इसको इसी तरीके से जिस तरह ये मेरी लाइन जा रही है, तो आप इसको स्ट्रेट इधर से इधर तक बनाना है इसको इसी तरीके से अपनी टिपिकल सेक्शन के हिसाब से। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ बहुत एक अहम है इसके अंदर बनाने वाली, कि अगर आप मुझे कहते हैं कि जी आपके पास स्ट्रेट था, आपने उसको स्ट्रेट लगा दिया, हमने उसको स्लोप लगानी है, तो वो हमने कैसे लगानी थी वो आपने नहीं बताया, तो मैंने आपको इसके अंदर दोनों मेथड बता दिए हैं। अगर आपके पास स्ट्रेट जा रही है तो पेवमेंट स्लोप आपने स्ट्रेट लगा देनी है, और अगर ये आपके पास कर्व में जा रही है तो आपने इसको उधर इसी तरीके से कर्व्स के ऊपर आपने लगाना है। लेंस को आपने इसकी कोशिश करनी है, आपने स्ट्रेट लगानी है, जो सी लाइन आपकी जैसे एक्स्ट्रा जा रही हैं उनको आपने जैसे ट्रिम कर देना है, क्योंकि ये जब ऑफसेट की कमांड ली जाती है नीचे, तो वो ऑफसेट जब ज़्यादा होता है तो वो कर्व वाला या स्लो वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा उसमें आउट हो जाता है, तो आपने इन चीज़ का खास ख्याल रखना है। आप इधर से जब ऑफसेट लेते हैं दरमियान में, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है कि सेंटर भी आपका सेम टू सेम उसी जगह के ऊपर आ रहा हो जिस जगह के ऊपर आपका सेंटर लाइन आ रही है, तो ये सारी पॉइंट्स आपके बराबर होने चाहिए। तो ये टिपिकल सेक्शन के हिसाब से आपने इसी तरह बना देना है ये दोनों साइडों के ऊपर। उसके बाद आपने जैसे आना है डिफाइन वाले सेक्शन के ऊपर, डिफाइन वाले के ऊपर आते हैं तो ये आप देख सकते हैं स्वाल्ड बेयरिंग कोर्स, वाटर बाउंड, सब बेस, ये तीनों सर्फेस हमारे पास आएंगी। ये सर्फेस हमने इधर बनाई थी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ये मैंने सर्फेस के ऊपर आके ये डिज़ाइन के ऊपर हमने
पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने सबसे पहले ये सरफेस बनाई थी स्फॉल्ट बेयरिंग कोर्स वाटर बाउंड और सब बेसिकली। तो ये सरफेस जो है हमारी डिफाइंड टीपी के सेक्शन के ऊपर ये तीनों आ रही हैं। तो जैसे आप इन सबको अलग अलग भी आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप बना दें। आप इस डिज़ाइन पेमेंट स्ट्रक्चर का एक सेक्शन भी बनाना चाहते हैं तो आप इसको एक को भी बना सकते हैं। अगर मैं इधर आपको डिफाइन करके बताता हूँ, इधर से मैं सिर्फ एक सरफेस बनाऊंगा अपने जो हमारे पास टॉप की जा रही है ये इस पोर्शन का, बीच वाली सरफेस की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब मैंने क्रॉस सेक्शन को इधर बनाना है तो ये मैं जो टिपिकल जो प्लेट मेरी बनी हुई है पूरा सेक्शन, इस सेक्शन को मैंने उसके ऊपर इम्पोर्ट कराना है। तो उसके लिए मेरे पास जो वाटर बाउंड सब बेस वगैरह के जो सर्फेस वगैरह है वो मैं इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं आप उसको बनाना चाहते हैं तो मैं आपको तरीकाकार इधर से बता देता हूं। तो आपने स्फॉल्ट बेयरिंग कोर्स को इधर सेलेक्ट करना है, इधर से डिफाइन के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने इधर स्फॉल्ट बेयरिंग कोर्स वाला जो पोर्शन है इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करेंगे तो ये देखेंगे ये हाईलाइट हो गया हमारे पास इधर। इसी तरह वाटर बाउंड के ऊपर आपने आ जाना है और इसको इधर से आपने इधर से आना है और इधर से डिफाइन कर देना है वाटर बाउंड को। इसी तरह सब बेस के ऊपर आपने आ जाना है और नीचे सब बेस को आपने इधर से डिफाइन कर देना। जो जो सब पोर्शन आप डिफाइन करते जाएंगे ये इधर से सारे आपके सरफेस आपकी बनती जाएंगी। चूँकि हम टिप्स क्रॉस सेक्शन हमारा मकसद है क्रॉस सेक्शन बनाने का, तो ये डिज़ाइन सरफेस बेसिकली यूज़ होती है डिज़ाइन की क्वांटिटीज़ के लिए। तो जब हम अपने वर्क डन के क्रॉस सेक्शन बना रहे होते हैं, अपने नॉर्मल क्रॉस सेक्शन बना रहे होते हैं तो उसके ऊपर तो हमने एक ही दफ़ा इसका एरिया निकाल लेना है। एरिया निकाल के इस सेक्शन के ऊपर हम इधर लिख देंगे ये, क्योंकि बिल्कुल एक फिक्स एरिया होता है। तो इसके लिए हमें जब रनिंग क्रॉस सेक्शन हम इसके ऊपर बनाएंगे तो हमें इन सरफेस की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जैसे इसको कैंसिल करता हूँ तो ये दरमियान वाले जो दोनों लाइनें हैं तीनों लाइन इसको मैं जैसे ख़त्म कर दूंगा। इस इन लाइंस को मैंने ख़त्म कर देना। तो ये भी आप देख रहे हैं मेरे पास ये सेक्शन जा रहा है दरमियान वाला, मेरे पास स्फॉल्ट की लाइन आ रही है नीचे और नीचे मेरे पास ये सब बेस का एंड है पोर्शन। इससे नीचे हमारे पास सब ग्रेड का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। सब ग्रेड के बाद हमारी इधर अर्थ फिलिंग आई नहीं है। तो हमने जो बेसिकली इसके अंदर जो क्रॉस सेक्शन हमारे चेंज हो रहे होते हैं, क्रॉस सेक्शन जो बनते हैं वो मिट्टी की कट फिल के लिए बनते हैं। डिज़ाइन सेक्शन हमारे पास सेम टू सेम होता है वो शुरू से आखिर तक, तो उसके लिए आपको इधर उसके अलग-अलग सर्फेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप डिज़ाइन बना रहे हैं, आपने किसी चीज़ का उसका एस्टिमेट वगैरह लगाना है तो फिर आप इधर ये सारी सरफेस वगैरह लगा लें, नहीं है तो उसके लिए हमें इन पोर्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इधर से आपने टॉप की लाइन और नीचे जो हमारे पास सब बेस की जो बॉटम लाइन आ रही होगी जिधर से हमारा सब ग्रेड टॉप स्टार्ट हो रहा होगा उसकी आपने इधर लाइन लगा देनी है। स्लोप है तो स्लोप लगा देनी है, इधर इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। उसके बाद तो इधर से आपने ये तीनों जो सरफेस हमने बनाई थी उसको आप ख़त्म कर दें। इधर से इन सरफेस को हमें ज़रूरत नहीं है, हमने रनिंग क्रॉस सेक्शन बनाना है। सिर्फ मैंने आपको ये बताया था कि इसको आपने कैसे बनाना है। तो आपने जैसे एक न्यू सरफेस को आपने डिज़ाइन बना देना है, जैसे पेवीमेंट की आपने एक इधर सरफेस बना देनी है, जस्ट जैसे क्रिएट कर देना है इधर से। तो ये हमारे पास इधर पेवीमेंट की सरफेस आ जाएगी। सब बेस की डिलीट नहीं हो रही क्योंकि वो चूँकि हम इसको यूज़ कर रहे थे, तो अभी हमने इधर पेवीमेंट का स्ट्रक्चर इधर बना दिया। इसको क्लोज कर देंगे तो इधर हमारे पास जस्ट वन पेवीमेंट का स्ट्रक्चर इधर आ जाएगा। आपने इधर से डिफाइन करना है और इधर से आपने इसको दरमियान में क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे ये आपका दरमियान वाला पोर्शन हाईलाइट हो जाएगा पेवीमेंट स्ट्रक्चर का। तो आपने सिर्फ इसमें से पेवीमेंट का स्ट्रक्चर बना देना है, स्लो वाला है तो स्लो वाला बना देना है। बनाने के बाद आपने इसको इधर ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये हमारे पास टिपिकल जो इसका सेक्शन था वो अब बन चुका है सारा। इधर से आपने शो के ऊपर आना है, आप शो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका इधर से हाईलाइट हो जाएगा। आप हाईलाइट होएगा तो आप देखेंगे इधर से हमारे पास ये टॉप की लाइन आ रही है, ये लाइन हमारी इधर से चेंज होकर इधर बॉटम तक चली गई है और इधर से फिर ऊपर आके वो दूसरी साइड के ऊपर पूरी ये इसने बना दी है। तो ये हमारे पास टिपिकल सेक्शन बन जाएगा इसका। इसी ऊपर जो होगा उसके क्रॉस सेक्शन को हम इसी के ऊपर इस सेक्शन को जो पूरी ये हमारी टेम्पलेट बनी हुई है इसको हमने मूव करा के उसके ऊपर रखना है। तो ये आपने सेक्शन जो बनाने हैं तो वो आपने टीपी का सेक्शन आपने इसी तरह सबग्रेड टॉप तक का बना के इसको क्लोज कर देना। तो ये जैसे हमने इसको क्लोज कर देना है, अभी आप इधर से मिनट टीपी का सेक्शन के ऊपर आते हैं तो आप अभी देखेंगे कि हमारे पास टीपी का सेक्शन जिस तरीके से हमने बनाया वो इधर से ये बन गया है सेक्शन। तो आपने इस सेक्शन को इसी तरीके से बना देना है। बनाने के बाद आपने इसे क्लोज कर देना है तो ये टीपी का सेक्शन का जो हमारा सेगमेंट था वो हमारा सारा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने जैसे इंपोर्ट पॉइंट्स किए, उसके बाद हम प्रोफाइल के ऊपर आए, प्रोफाइल व्यू प्रोफाइल की हमने इधर से उसकी ये लाइन लग गई थी, उसके ऊपर हमने लेवल्स की ये लाइन लगा दी है ऊपर अपने एक्सेल के ऊपर से डिज़ाइन लेवल जो हमारे पास लेवल थे उसकी लाइंस हमने इधर ड्रा कर दी। उसके बाद हमने आके और इधर टिपिकल सेक्शन को अपना इधर बना दिया। तो ये आपने सारे प्रोसेस इसी तरीके से करने हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, सुकून के साथ बता रहा हूँ कि आपको ये कम्प्लीट प्रोसेस इसका समझ आ जाए। उसके बाद आपने इसमें प्रोसेस वाला अगला टेबल है, आपने इसको जैसे क्लिक करना है तो ये सबसे नीचे आप देख रहे हैं स्लोप लाइब्रेरी आपकी, आपने जैसे इसको क्लिक कर देना है।
तो ऊपर आप देख रहे हैं लाइब्रेरी सिंगल राइट ऑफ वे बेंचिंग है, वेथ है, क्लियर जोन, नो स्लोप। तो आपने जैसे सिंगल को क्लिक करना है जैसे, तो आप ये देखेंगे हमारे पास 0.5, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 और 5:1 और वर्टिकल इसकी स्लोप्स आ रही हैं। लेकिन हमारे पास इधर है स्लोप 1.5:1 की, तो ये स्लोप हमारे पास इधर हमें नज़र नहीं आ रही, तो इसकी स्लोप को हमने इधर क्रिएट करना है, नया बनाना है। इधर 1:1 की आ रही है, इसके बाद 2:1 की आ जाती है, तो हमारे पास 1.5 की जो स्लोप है वो इधर नहीं आ रही, तो आपने इधर से नीचे आ जाना है और इधर हमारे पास जो स्लोप है वो हमने इधर क्रिएट करनी है। तो आपने ऊपर नेम इसका दे देना है, नेम आपने इसी तरीके से देना है, आप ऊपर SIN सिंगल आप इसको हेडिंग दे दें ऊपर इसकी, जो ऊपर पीछे आपको नज़र आ रही है। हेडिंग देने के बाद आपने स्पेस दे दें 1.5, उसके बाद आप स्पेस दे दें H, बिलीव वी कर दें, आपने स्लोप का नाम सेम टू सेम वही दे देना है जो ऊपर आपके पास लिखा हुआ है। इस तरह ये आप स्लोप वैल्यू आपके पास आ रही है, इधर 1 है, आपने इधर 1.5 कर देनी है। 1.5 करेंगे नीचे ये आप आएंगे तो ये आपके पास मुख्तलिफ आ रही है, स्लोप है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है, इस तरीके से आपके पास स्लोप है। तो आपने इधर से एच वी को आपने सेलेक्ट रखना है, एच वी को सिलेक्ट करके आपने इधर ओके कर देना है। ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास इधर स्लोप न्यू क्रिएट हो गई है 1.5 की, जो हमारे पास इधर डिज़ाइन के अंदर 1.5 की स्लोप आ रही थी। तो आपने जो सी भी स्लोप इधर आपके पास है तो आपने उस स्लोप को इसी तरीके से इस टेबल के अंदर सिंगल के ऊपर आके क्रिएट कर देना है। प्रोसेस के ऊपर आपने आना है, स्लोप लाइब्रेरी के ऊपर सबसे पहले जाना है आपने, और इधर से आपने ये देख लेना है कि इधर आपके पास जो जो सी स्लोप्स आ रही हैं वो आपके पास इधर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आपने इधर से उसको ऐड कर देना है। 1.5 है, 1.75 की भी स्लोप होती है, 2:1 की भी स्लोप होती है, 2.5 की भी स्लोप होती है, वो सारी स्लोप्स को आपने इधर सिंगल के ऊपर आना है और इस तरह आपने उसको ऐड कर देना है। इधर न्यू में जाना है और इधर से आपने उसका नाम दे देना है और इधर से आपने स्लोप जस्ट इधर आपने इसके अंदर देनी है तो आपकी इधर स्लोप क्रिएट हो जाएगी। तो आपने इसके बाद नीचे आ जाना है, इसी तरह प्रोसेस के ऊपर स्लोप क्रिएट हमने कर दी। मैनेज कंडीशन टेबल्स, आपने इसको जैसे क्लिक करना है तो इसके अंदर आपने जो स्लोप्स हमने लगाई हैं वो हमने इसके अंदर टिपिकल सेक्शन के ऊपर इसकी जो स्लोप्स आएगी साइड के ऊपर वो हमने इसके ऊपर लगाना है। तो आपने जैसे न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ऊपर आपने इसका कोई भी नाम आप दे दें, एस दे दें, ए दे दें, बी दे दें, सी दे दें, कोई भी आप ऊपर नाम उसका दे सकते हैं, नाम आपने ज़रूर देना है, नाम के बगैर ये नहीं चलेगा। तो आपने इधर से बेस्ड ऑन डेप्थ ओनली, आपने इधर से बेस्ड ऑन डेप्थ ओनली के ऊपर आपने कर देना है, उसको क्लिक करना है। मटेरियल वाला सेगमेंट इसमें हम डिज़ाइन नहीं कर रहे, तो आपने जो हमने बनाना है तो उसके अंदर हमने इसको करना है। उसके बाद आपने जैसे आप देख रहे हैं कट एंड फिल दोनों सेगमेंट आपके पास आ रहे हैं, आपने कट वाले को सिलेक्ट करना है और जो कट वाली जो आपको स्लोप आ रही होगी वो आपने स्लोप इधर से उसको एडजस्ट करना है। तो हमारे पास इधर स्लोप हम कट एंड फिल की भी जो स्लोप कट की जो स्लोप होगी वो इधर हमने 1:1 की रखनी है कि हमारे पास जो कट पोर्शन आ रहा है उसको हमने इधर 1:1 के ऊपर करना है और इधर से एट PT कोड जो आउट मोस्ट पॉइंट होएगा हमारा आउटमोस्ट पॉइंट, हमारे पास ये जो बिल्कुल एंड वाला पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर अगर आपने पेवीमेंट की स्लोप देनी होगी तो आप इधर देंगे, लेकिन पेवीमेंट की स्लोप को हमने इधर यूज़ नहीं किया, एक ही किस्म की स्लोप हमारे पास यूज़ हो रही है। तो आपने इधर से उसकी जो आउटमोस्ट पॉइंट होएगा उस स्लोप को आपने इधर से सिलेक्ट कर देना है। तो ये आउटमोस्ट पॉइंट इसके अंदर ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ होगा, आपने इधर से ओके कर देना, ये 1:1 की स्लोप आ जाएगी। इसी तरह आपने फिल के ऊपर आ जाना है, फिल के ऊपर आएंगे तो ये जैसे आपने इसी तरह इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है और इधर से आपने 1.5 जो हमने नई स्लोप बनाई थी उसको आपने इधर से सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो फिलिंग की स्लोप जा रही है वो 1.5:1 की जा रही है। तो हमने इधर से आपने जो सी भी स्लोप आपके पास जो आ रही है 2:1 की है तो आपने 2:1 कर देना है और 0.5 की है 0.5 और 1.5 की है तो 1.5 आपने कर देना आउट मोस्ट पॉइंट, आपने इसी तरीके से इसको रहने देना है। इधर से आपने इसको ओके कर देना है और इधर से भी आपने इसको ओके कर देना। ओके करेंगे तो ये देखेंगे हमारे पास इधर इसके स्लीप कंडीशन टेबल हमारे पास इधर क्रिएट हो गया। नीचे सेटिंग के ऊपर आप दोबारा क्लिक कर दें और इधर से आपने इसके स्लोप कट की जो स्लोप आपने रखी है वो आप इधर से दोबारा एक दफ़ा इसको चेंज कर दें कि हमारे पास जो जनरल सेक्शन जितने बनेंगे सब के ऊपर मतलब है कि हमारा ये स्लोप इसी तरीके से होएगी। कट वाली जो स्लोप आएगी वो 1:1 की होएगी और फिल की जो स्लोप होगी वो 1.5 की होगी। नो ग्रेड है, स्लोप सेटिंग लाइंग है और इसी तरीके से स्लोप राउंडिंग है। अगर राउंडिंग वगैरह आपके पास कोई है इधर से तो आप इस राउंडिंग की फिगर को दे दें, 1 मीटर की है तो आपने इधर से यूज़ करके इधर से कट और फिल के ऊपर जो राउंडिंग की स्लोप हमारे पास दी गई होती है किसी सेक्शंस के ऊपर तो वो आपने इधर से कर देनी है। अगर नहीं है तो आपने इसको चेक इन बगैर रहने देना है, इधर से आपने अप्लाई करके इसको ओके कर देना। तो ये हमारा कंडीशनल टेबल क्रिएट हो गया है, इसके बाद इसको हमने क्लोज कर देना है, प्रोसेस के ऊपर आना है और 3rd नंबर 4th नंबर के ऊपर हमारे पास है
एडिट डिज़ाइन लोकेशन, इसको आपने फिल करना है। इसको सिंपल सा इसका फॉर्मेशन पहले आपने जैसे न्यू के ऊपर आना है, आप देखेंगे अलाइनमेंट हमारे पास इधर 0-0 है, अलाइनमेंट हमने बनाई नहीं है। वो फैल जो जा रही है हमारी 0-0 से लेके 1+200 तक है, और क्रॉस सेक्शन का जो डेटा है हमारे पास वो 0-0 से लेके 1+200 तक का है। तो इसके अंदर आपने स्टेशन इंटर कर देना है जिधर से आप क्रॉस सेक्शन बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम 0 से करना चाहेंगे तो आपने 0 इधर इंटर कर देना है, ओके कर देंगे तो यह देखेंगे 0-0 का टेबल इधर आ जाएगा। आपने इधर क्रॉस सेक्शन 600 से सपोज बनाना है तो आप 600 इधर ऐड कर दें, 600 आ जाएगा। आपने इधर से कोई और भी RD आप चेंज करना तो कर दें, तो हम इधर 0 बनाना चाहते हैं 0 आ जाएगा। इधर से आप टीपी का सेक्शन इधर आ रहा है तो आप ये देखेंगे हमने टीपी का सेक्शन एक ही बनाया था सेक्शन ए का नाम का, तो वो सेक्शन ए के नाम का इधर टीपी का सेक्शन हमारे पास बना हुआ है, वो सिलेक्ट हुआ हुआ है। हमने टीपी का सेक्शन अलग-अलग हमारे पास होते हैं, बाजू का सेक्शन के ऊपर जा रहे होते हैं कि सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी, तो वो इसी तरीके से इधर आपके पास जो सेक्शन होगा तो आपने 0-0 लेके आपने इधर सेक्शन ए को सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपने इसको इधर ओके करना है तो ये हमारे पास 0-0 आ जाएगा। हमारे पास अगर 2 टीपी का सेक्शन है तो हमने उसको ऐसे करना है कि जैसे हमारा सेक्शन चेंज हो रहा है सपोज 0+600 के ऊपर, तो आपने तो 600 की RD लगानी है। इधर से सेक्शन बी जो आपने उधर बनाया होगा उसकी विड्थ वगैरह में चेंज होता है तो आपने बी कर देना है और नीचे आपने इधर आना है और ट्रांजेक्शन टू नेक्स्ट स्टेशन कर देनी है। तो ये इसी तरीके से ये आगे इसके मतलब मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, वो आप उसको देख लीजिएगा। तो हमारे पास इधर 600 सेक्शन भी हम एक ही फॉलो कर रहे हैं, तो हमने जैसे 0 सेक्शन ए और डू नॉट ट्रांजिशन को हमने सेलेक्ट करके इसको ओके करना है। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर कंडीशन टेबल्स लोकेशंस हैं जो कि हमने उसके स्लोप्स वगैरह बनाई थी, आपने इसको जैसे क्रिएट करना है और जैसे 0 कर देना है। ये ए टेबल का आ रहा है दोनों साइडों के ऊपर, राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर टेबल जो हमारा लग रहा है वो सेम टू सेम लग रहा है, तो आपने जैसे इसको इसी तरह रहने देना है। RD इसी तरह स्लोप्स चेंज हो रही हैं तो आपने स्लोप्स भी इधर से इसको चेंज करना है। तो ये दोनों टेबल आपने इधर ऐड कर देने हैं, इधर से आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने रन डिज़ाइन के ऊपर आ जाना है, रन डिज़ाइन को आपने क्लिक करना है तो आप देखेंगे अलाइनमेंट 0-0 है हमारे पास, प्रोफाइल 0-0 से लेके 1+200 तक है और क्रॉस सेक्शन 0-0 से लेके 1+200 तक है। स्टेशनिंग स्टार्ट 0-0 से लेके है और स्टेशन एंड हमारे पास 0-0 आ रहा है, तो आपने इसको ख़त्म करना है और 1+200 की आपने वैल्यू इसके अंदर इंटर कर देनी है एंड तक जिधर तक आप इस क्रॉस सेक्शन को बनाना चाहते हैं। बनाने के बाद आपने जैसे इसको ऑटोमेटिक ही रहने देना है, ये जो कुछ क्वेश्चन है इधर से आपने इसको रन वाले बटन को क्लिक कर देना है। तो ये रन वाले बटन को आप क्लिक करेंगे, अगर आपके पास कोई एरर आएगा तो वो टेबल के ऊपर शो हो जाएगा कि आपकी स्लोप्स कम है, आपकी RDs वगैरह कम है, आपकी लेंथ कम है, नहीं है तो वो आपका रन जब क्लियर हो जाएगा जैसे आपने दोबारा क्रॉस सेक्शन के ऊपर आना है और जैसे आपने एडिट के ऊपर आ जाना है। आप एडिट के ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे पहले हमारे पास इधर NSL सिर्फ आ रहा था, अब ऊपर हमारे पास जो हमने टीपी का सेक्शन इधर डिफाइन कर दिया वो भी बन गया और साथ उसकी स्लोप्स भी आ गई। ये सारे सेक्शन के ऊपर आप इधर से देख सकते हैं और इधर से इसका व्यू भी देख सकते हैं। आपने व्यू देखना है, आप व्यू देख सकते हैं इसका, तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास ये पूरा सेक्शन जो हमने बनाया था वो सारा का सारा इधर इसी तरीके से ड्रा हो गया है। ये हमारा क्रॉस सेक्शन पूरा बन गया है, इधर से हमारे पास सरफेस इसकी बन गई है डिज़ाइन पेवमेंट की भी और ओरिजिनल सरफेस भी। पहले ये हमारे पास सिर्फ वन सेक्शन थी, तो आप इधर से सेक्शन को देख सकते हैं वर्बली। उसके बाद आपने इसको ओके कर दें, ओके करने के बाद प्रोसेस हमने सारा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपने आउटपुट के ऊपर आ जाना है, आउटपुट के ऊपर आप आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्रॉस सेक्शन शीट्स वाला ऑप्शन आता है, आपने इसको जैसे सेलेक्ट कर देना है तो ये आपके पास एक विंडो इधर ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास इधर शीट्स का कॉलम 0-0 है। ये सबसे पहले आपने इधर फॉर्मेट के ऊपर आना है, फॉर्मेट के ऊपर आने के बाद आपने इधर से इसकी शीट की सेटिंग है, उसके बाद कैट सेटिंग है, पोजिशन है, आपका ऑफसेट एंड एलिवेशन है, आपकी स्लोप एनोटेशन है और आपका रेफरेंस लाइन और टेक्स्ट सेटिंग है। तो ये आपकी इसकी सेटिंग्स वगैरह हैं, सबसे पहले आपने इसकी शीट सेटिंग के ऊपर आना है। शीट सेटिंग के ऊपर आप आते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि इधर हमारे पास इसकी लेंथ आ रही है 800 mm की है और हाइट इसकी 0.540 की है। इसी तरीके से इसके अंदर अगर आप इसको ये लैंडस्केप की सेटिंग है, पोर्ट्रेट से पोर्ट्रेट में आप करना चाहते हैं तो आप इसको पोर्ट्रेट में तो सिलेक्ट कर लेंगे, लैंडस्केप में बनाना चाहते हैं तो लैंडस्केप के अंदर। तो ये इसके अंदर इसी तरीके से इसकी ऑफसेट इंटरवेल है इसका 500 m, एरिया हाइट है इसके अंदर, एलिवेशन इंटरवेल है, नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर 2 हैं। आप कितने क्रॉस सेक्शन एक शीट को भी बनाना चाहते हैं, ये एक जनरल सी सेटिंग है। उसके बाद आपने इधर इसके ग्रेड सेटिंग के ऊपर आ जाना है, तो ये आप देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्केल 0.20 का
का, वर्टिकल स्केल 0.1 का है। इसी तरह ड्राइंग यूनिट्स हैं और पेपर यूनिट्स हैं। नीचे हैवी हॉरिजॉन्टल लाइन स्पेसिंग और वर्टिकल लाइन स्पेसिंग है हमारे पास हैवी ग्रिड की, और इसी तरह फाइन ग्रिड की हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी। इसके ऊपर अभी हम एक दफ़ा सेक्शन को बना के चेक करेंगे और उसके बाद उसकी सेटिंग हम करेंगे। तो जैसे आपने उसको ओके कर देना है नीचे, इसी तरीके से ये कैड की सेटिंग आ जाती है। ये इसके मुख्तलिफ कोड्स और मुख्तलिफ सेटिंग है। इसको अभी हम आगे मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, पूरी डिटेल बताऊंगा। तो आपने जैसे सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर इसको चेक करते हैं कि ये क्या दे रहे हैं हमें। तो आपने न्यू के ऊपर आ जाना है, तो यह हमारे पास क्रॉस सेक्शन की शीट आ जाएंगी कि आप सारे क्रॉस सेक्शन को बनाना चाहते हैं 00 से लेकर 1-100 तक, तो आप इसको ओके करते हैं। अगर आपने एक क्रॉस सेक्शन को देखना है तो आपने 00 से लेकर 00 तक देखेंगे। तो हम अभी सारे देखेंगे, सबसे पहले वो ठीक बनते हैं या गलत बनते हैं, उसकी सेटिंग हमने उसके बाद करनी है। तो इसको मैं जैसे ओके करता हूँ, ओके करूँगा तो आप ये देखेंगे मेरे क्रॉस सेक्शन उधर सारे उसके बनते जा रहे हैं। ये आपने इसी तरीके से इसकी सेटिंग को पहले, सबसे पहले आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो ये हमारे पास इसने चार शीटें हमें क्रिएट कर दी हैं, जिसके ऊपर हमारा पहला सेक्शन 0 है, दूसरा 300 है, तीसरा 600, चौथा वह 400 का। तो 00 सेक्शन को हम इधर से व्यू करते हैं, तो उसके बाद व्यू करने के बाद हम क्लोज करेंगे। तो आप ये देखेंगे हमारे पास इधर इसका 00 वाला सेक्शन इधर आ गया है। इसकी साइड में स्लोप्स आ रही हैं, इसके एलिवेशन किसी जगह के ऊपर है, किसी जगह के ऊपर नहीं है, और इसी तरीके से ये उसके ऊपर ये पूरा टिपिकल सेक्शन इसका ड्रा हुआ हुआ है। नीचे सेंटर के ऊपर इसका स्टेशन लिखा हुआ है, ओरिजिनल एलिवेशन हमारे पास, डिज़ाइन एलिवेशन और डिज़ाइन अर्थवर्क, फिल एरिया जो हमारे पास फिल एरिया है उसकी क्वांटिटी पूरी आई हुई है। इसी तरीके से कट एरिया हमारे पास जो है उसकी क्वांटिटी है वो, और वर्टिकल फैक्टर, ये सारे हमारे पास इधर आए हुए हैं। तो अगर तो आप एक शीट के ऊपर मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शन को बनाना चाहते हैं उसके लिए तो ये सेटिंग ठीक है। अगर आपने जी बहुत ज़्यादा हमने क्रॉस सेक्शन को बनाना है और उसके ऊपर उसकी सेटिंग हम करना चाहते हैं, एक शीट के ऊपर 6 या 7 क्रॉस सेक्शन हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सेटिंग है। उसके लिए आपने इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर उसके प्रिंट्स को निकाल लेना है। लेकिन चूंकि हम जब काम करते हैं फील्ड के अंदर, अपनी अपने प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं, तो आपको पता होगा कि हमने एक शीट के ऊपर एक क्रॉस सेक्शन बनाना होता है। वो बनाने के लिए होता है कि आगे हमने कंस्ट्रक्टर को चेक कराना होता है, उसके एलिवेशंस, उसके डिस्टेंस, उसका एरिया को सेम टू सेम आए, जैसे वो क्लिक करेगा भाई हमारे पास ये एलिवेशन है, जैसे मैं आईडी की लाइन लेता हूँ तो ये हमारे पास एलिवेशन इधर और आएगा। ये देख रहे हैं कि 600 और 352 लेवल आ रहा है इधर, तो वो परेशान हो जाता है, कहता है कि नहीं यार ये आपका क्रॉस सेक्शन ठीक नहीं है। तो उसके लिए हमने वन शीट के ऊपर, एक शीट के ऊपर एक क्रॉस सेक्शन को हमने ड्रा करना होता है, उसके हिसाब से हम इसकी सेटिंग करेंगे। ये मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शन है। अगर आप डिज़ाइन के हवाले से, बेसिकली जो पहली सेटिंग आ रही है सारी सेटिंग, ये डिज़ाइन के हवाले से कि भाई हम इसके अंदर डिज़ाइन क्रॉस सेक्शन के ऊपर बना के आपने टेंडर ड्राइंग के ऊपर लगाने हैं या आपने किसी को भेजने हैं, तो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन जब आपने फील्ड के ऊपर काम करना है तो उसके लिए हमने इधर सिंगल क्रॉस सेक्शन को बनाना है। तो सिंगल क्रॉस सेक्शन को बनाने के लिए उसकी वर्किंग हम करेंगे, उसके एलिवेशन वगैरह भी इधर लगाएंगे। इसको मैं इधर से बंद कर देता हूँ दोनों शीट्स को। तो ये इधर से आपने दोबारा आउटपुट के ऊपर आ जाना, तो ये आप देख रहे हैं चारों शीटें हैं, तो आपने इन चारों शीटों को इधर से डिलीट कर देना है, या आप इधर कंट्रोल शिफ्ट एंड करके भी सारी शीट्स को इकट्ठा ख़त्म कर देंगे। तो इधर से अभी आप ख़त्म कर देंगे, आपने इधर से शीट सेटिंग के ऊपर दोबारा एडिट के ऊपर आ जाना है, एडिट के ऊपर आना है। इधर से हम इधर से ये आप देख रहे हैं कि ये सेटिंग को हम फिलहाल वही रहने देते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को हम इधर से वन कर देंगे, और इधर से ग्रिड स्पेसिंग के ऊपर आपने आ जाना है, और हॉरिजॉन्टल स्केल इधर 0.20 आपने इधर से वन, और वर्टिकल स्केल भी आपने वन कर देना है इधर से। इसी तरीके से सबसे पहले आपने इधर इन स्केल को इधर से वन वन करके ओके कर देना है, इधर से करना है, और इधर से आपने ओके कर देना है, और इधर से मैंने न्यू के ऊपर आना है, और इधर 00 से लेके और 00 ही दूसरी स्टेशन में एक ही क्रॉस सेक्शन का व्यू देखना चाहता हूँ। तो मैं इसको 00 करके मैं इधर से इसको ओके करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ी शीट आ रही है, क्रॉस सेक्शन मेरे पास छोटा सा आ रहा है सारा। तो ये इधर से आपने इसका एक रेक्टेंगुलर आरसी की कमांड ले लेनी है, और जस्ट इधर से आपने इसको इसकी सेटिंग को इधर से हम देखना चाहते हैं कि हम क्रॉस सेक्शन को अपना इस शीट के ऊपर इतने डिस्टेंस के ऊपर हमने इसको सेटिंग करनी है। तो उसके लिए आप ऊपर डायमेंशंस के ऊपर आ जाएँ, और इसकी इधर से आप डायमेंशंस को इधर से चेक कर लें। ये आप देखते हैं तो इधर हमारे पास इधर ये 121 की आलमोस्ट आ रही है। इसी तरीके से आपने इसकी हाइट भी इधर से लेके हाइट को भी आप चेक कर लें, इधर से दोनों चीज़ें आप चेक कर लेते हैं। हमारे पास इधर 60 मीटर की हाइट आ रही है इसकी क्रॉस सेक्शन की, जो कि हमें मैक्सिमम चाहिए, और 120 मीटर की इसकी विड्थ है। तो आपने इधर से
एडिट के ऊपर आ जाना है। अच्छा, ऐसे भी पहले मैं आपको बताता चलूँगा, थोड़ा सा आप इसको इधर से भी देख सकते हैं। इसको एडिट क्रॉस सेक्शन के ऊपर आने के बाद, कोई क्रॉस सेक्शन को आप इधर से उसका व्यू लेते हैं, तो व्यू लेने के बाद भी आप इसका इधर से आप चेक कर सकते हैं इसकी डायमेंशंस वगैरह को, कि हम आपका एनएसएल कितना आ रहा है। आपका एनएसएल हमारा मैक्सिमम जो एनएसएल होएगा उसके हिसाब से ही होती है। तो ये 170 मीटर हमारा एनएसएल आ रहा है, तो यानी कि 160 की जो हमारी हाइट होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए इसकी, वो हमारी 120 के दरमियान में होनी चाहिए। या आप इधर से इसी तरीके से अपने सेक्शंस के ऊपर आप देख सकते हैं। इधर से आप ये सेक्शन को ख़त्म भी करना चाहते हैं तो आप इधर से इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम हम अगर आप एनएसएल यूज़ करना चाहते हैं तो आप इधर तक कर लें। और अगर आप अपना हमारे पास चूँकि रिक्वायरमेंट हमारी जस्ट ये इतना पोर्शन होएगा कि हमने इतने पोर्शन रिक्वायरमेंट करना है, तो आप उसकी सेटिंग को उसी हिसाब में कीजिए। तो आप शीट सेटिंग के मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपने इसी तरह क्रॉस सेक्शन के ऊपर दोबारा आ जाना है, एडिट के ऊपर आ जाना है। इधर से आपने इसको शीट की सेटिंग को 120 कर देनी है, इधर से आपने इसको 60 कर देना है। नीचे वाले आप पोर्शन को आपने इसी तरह वही रहने देना है। इधर से ऑफसेट एरिया को भी हम बाद में, अभी इसकी हमने टेक्स्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना है, तो इधर से आपने इसको इसी तरीके से सेटिंग रहने देनी है, ओके कर देना है। और इधर से आपने न्यू के ऊपर आना है और वन शीट को आपने प्लॉट करना है। 00 है तो 00 को प्लॉट करना है। इधर से मैं ओके करता हूँ तो मेरी एक शीट इधर प्लॉट रहेगी। तो ये अभी आप ये देख सकते हैं कि ये मेरी शीट इधर से मैक्सिमम हद तक ये ठीक हो गई है। अभी हमने इसके टेक्स्ट जो थिकनेस वगैरह है उसको हमने इधर से एडजस्ट करना है। तो टेक्स्ट के लिए आपने इधर शीट सेटिंग्स के फॉर्मेट के ऊपर नीचे आ जाए, कैड सेटिंग है, इधर से आपने इसको एडिट करना है। तो ये आप देख रहे हैं ओरिजिनल सरफेस है, सबसे ऊपर हमारे पास ओरिजिनल सरफेस हमारे ये एनएसएल की लाइन जा रही है। इधर से इस लाइन को आप चेंज करना चाहते हैं या इसका कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर से इसके कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने इसको इसकी लाइन के जो स्टाइल है डॉटेड में लेकर आना है, तो डॉटेड डॉटेड के लिए आपने इधर से इसको इधर पीछे हमने दोबारा आ जाना है इधर एडिट क्रॉस सेक्शन के ऊपर। और इधर से जो हमारे पास ओरिजिनल सर्फेस है इसके ऊपर हमने इधर से व्यू के ऊपर आना है और इधर से हमने इसकी लेयर को जो है वो इधर से चेंज कर लेना है। इधर से कंटिन्यूस जो इसका लाइन टैप जा रही है आप सेंटर रखना चाहते हैं या सेंटर टू, आप इधर से इसको चेंज करेंगे तो ये आपकी जो एनएसएल होगी वो डॉटेड लाइन में आएगी इधर क्रॉस सेक्शन वाले ऑप्शन के ऊपर से। तो इधर आपने सबसे पहले उसको अगर आप डॉटेड करना चाहते हैं तो डॉटिंग कर लें, उसके बाद कैर सेटिंग के ऊपर आ जाएँ तो ये इसका कलर वगैरह इधर से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद प्रीमेंट स्ट्रक्चर जो ऊपर हमने लगाया था ये इसकी लेयर्स वगैरह आ रही है, इसका कलर आप डिफॉल्ट रहने दें। हैवी ग्रिड लाइन्स ये आप देख रहे हैं रेड कलर की जो हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स जा रही हैं ये इधर कंटिन्यूस आ रही हैं। आप इसको इधर से चेंज करके डॉट आप कर दें कलर्स का, वही रहने दें। फाइन ग्रेड लाइन को भी आप इधर से इसको डॉट की शक्ल में ले आएँ, क्योंकि जब आप डॉट में लगाएंगे तो क्रॉस सेक्शन के ग्राफ पेपर की शेप में वो आ जाएगा। तो आपने इसको इधर सबसे पहले इन दोनों लाइन्स को आपने इधर से डॉट कर लेना है, बाटर आपने वही रहने देना है। सेंटर लाइन प्लाट करना चाहते हैं यस जी करना चाहते हैं ठीक है जी, उसका कलर वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं कलर इधर से चेंज कर लें। सर्कल ये आप देख रहे हैं कि सर्कल हमारे पास इधर बहुत बड़ा आ रहा है, इसका टेक्स्ट भी बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसका कलर वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं कर दें। इसके बाद सर्कल स्टेशन है, स्टेशन हमारे पास आ रहा है 2.5 का, तो मैं इधर से इसको कम कर देता हूँ, इधर से इसको मैं 0.75 ऊपर फिलहाल ले जाता हूँ। उसके बाद मैं एक दफ़ा ड्रा करके फिर मैं देखूँगा। उसके बाद एलिवेशंस हैं, एलिवेशंस आपके इसी तरह 2.5 के ऊपर आ रहे हैं, मैं इसको भी 0.50 के ऊपर ले जाता हूँ। कलर आप चेंज करना चाहते हैं कर दें। इसी तरह ऑफसेट है, ऑफसेट को भी आपने जैसे 0.50 के ऊपर कर देना। तो ये ऑफसेट और एलिवेशन जो है ये आपके ग्रिड वाले ऑफसेट और एलिवेशन है, ये जो आपके एलिवेशन है ये आपके एलिवेशन ये वाले हैं। और ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो ऑफसेट आ रहे हैं आपके ये वाले ऑफसेट आपके जो ऊपर आपके ग्राफ पेपर का डिस्टेंस लगा हुआ वो ये वाले आ रहे हैं, इनको आप चेंज कर दें इसकी हाइट वगैरह को। इसी तरह सेंटर लाइन स्टेशन है, सेंटर लाइन स्टेशन हमारे पास ये आ रहा है, ये इसकी लेंथ हमारे पास बहुत बड़ी आ रही है, इसको भी मैं चेंज करके 0.75 कर देता हूँ। कलर वगैरह आप चेंज करना चाहेंगे तो कर दें। प्लाट करना चाहते हैं यस तो आप इसको यस रहने दें, नो करना चाहते हैं तो आप इधर से इसको चेक इन कर दें प्लाट को वाले कॉलम को। इसी तरीके से आप आ जाए डिज़ाइन एलिवेशन है, हमारे पास ये नीचे डिज़ाइन एलिवेशन है, इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं आप इसका कलर चेंज कर दें। डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट रख दें। कलर हाइट में इसकी इधर से 0.5 कर देता हूँ। इसी तरह ओरिजिनल ऑफसेट है, ये ओरिजिनल एलिवेशन हमारे पास आ रहा है, इसकी भी हाइट में इधर से चेंज कर देता हूँ इधर से। और इसी तरह डिज़ाइन अर्थ वर्क, ये डिज़ाइन अर्थ वर्क भी हमारे पास ऊपर टेबल लिखा हुआ ये आ रहा है, इसकी हाइट भी मैं सेम टू सेम कर देता हूँ, ये आप अपने उसके हिसाब से कर लीजिएगा। इसी तरह एक्चुअल अर्थवर्क है, एक्चुअल अर्थवर्क हमने इधर बनाई नहीं है, इसको हमने इधर से ऑफ कर दें।
एक्चुअल आर्टवर्क बनता है दो किस्म के सरफेस के ऊपर ऊपर, तो हमने सिंगल सरफेस को भी बनाया। इसी तरह स्लोप एनोटेशन है, स्लोप एनोटेशन जो हमारे पास आप ये देख रहे हैं 0.67% में आ रही है, इसको भी हम चेंज करेंगे परसेंट के ऊपर, वो आगे दूसरे में करेंगे, जिसमें इसकी स्लोप की हाइट को भी 0.5 कर देता हूँ। ऑफसेट एंड एलिवेशन है, ऑफसेट एलिवेशन हमारे पास इधर अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास ऊपर आ रहा है और वो भी सीधे लाइन के ऊपर आ रहे हैं इधर से 26.64 और 706.18। तो आपने इधर से सबसे पहले तो इसकी हाइट आपने इधर से चेंज कर देनी है, कलर वगैरह, तो इसकी जो सेटिंग है वो इससे नीचे वाले कॉलम के अंदर है। रेफरेंस लाइन हम यूज़ नहीं कर रहे। इसी तरह सरफेस लेबल है, ये आपके पास जो ओरिजिनल सरफेस ग्रेड वगैरह लिखा हुआ आ रहा है, और ऊपर इसके साथ ये आपके पास मुख्तलिफ जो आपने चीज़ें बनाई होंगी स्लोप वगैरह वो आ रही हैं, तो उसकी आपको जरूरत नहीं होती हमें, तो आपने इन दोनों को ऑफ कर देना। ऑफ करेंगे तो इधर से आप देखेंगे इधर नो हो जाएगा। हमने तीन इधर से एक्चुअल अर्थवर्क रेफरेंस लाइन और सरफेस लेवल को हमने नो कर दिया, और इधर से उसकी पॉइंट सेटिंग वगैरह को हमने चेंज कर दिया। आप इसको अप्लाई करके ओके कर दें, उसके बाद आपने इधर से नीचे आ जाना है प्रेजेंटेशन, आप इधर से प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करके कर दें। आप जितने शारिया के बाद आप जितने फिगर लेना चाहते हैं वो आप इधर से ले सकते हैं। इधर से डिफ़ॉल्ट रहना है 22 भी बहुत होते हैं, इधर से इसी तरह आपने इसको चेंज करना है तो आप इधर से डाटम एलिवेशन 3 कर दें, वॉल्यूम 3 कर दें, और इसी तरह आप इनके 3-2 और कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं आपने इनके। इसी तरीके से आप इसके 3 और 2 फिगर के दरमियान में आपने इसको रहना है। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, ऑफसेट एलिवेशन है, आपने इसको जैसे क्लिक करके एडिट करना है, तो ये आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट साइड अबव ये आपके एलिवेशन इधर आ रहे हैं। आप इसको ख़त्म कर दें, आप इन दोनों को इधर से ख़त्म कर दें, और इधर से आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है और न्यू बना देना है। इसका लेबल आपने ऊपर कुछ भी नहीं देना, आप जो लेबल देंगे फिर उस साथ उसके आ जाएगा, तो लेबल की ज़रूरत नहीं है। आपने इधर से इसको बोथ साइड सेलेक्ट कर देना है, और इधर से आपने देख रहे हैं कि ऑफसेट एलिवेशन है, नीचे नंबर के ऊपर एलिवेशन कॉमा ऑफसेट है और एलिवेशन है, तो हम इधर से ऑफसेट और एलिवेशन को सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट कर देंगे इधर से, ताकि हमारे पास ऊपर एलिवेशन आ जाए, ऑफसेट आ जाए, और नीचे उसका एलिवेशन आ जाए। तो आपने इसके लिए सेलेक्ट को आपने इधर से क्लिक कर देना है। इसी तरह आपने प्लेसमेंट है, आप उसको अबव रखना चाहते हैं अपनी लाइन से, या अबव आ जाए, मिडल में रखना चाहते हैं, या बिलो रखना चाहते हैं, हम इसको अबव रखना चाहते हैं, तो आपने इसको अबव रखना है, वही सेटिंग रहने देनी है, और इधर से अप्लाई करके इसको कैंसिल कर देना है। तो ये हमारे पास एक उसकी डिस्टेंस और एलिवेशन का इधर टेबल आ जाएगा, वो हम जब प्लॉट करते हैं आगे। इसी तरह आपने इधर स्लोप एनोटेशन के ऊपर आपने आना है, स्लोप एनोटेशन के ऊपर आ रहे हैं तो आप ये देखेंगे हमारी ये जो स्लोप आ रही है ये परसेंटेज के ऊपर आ रही है। इधर से आपने इसको एडिट के ऊपर ले जाना है, इधर से आपने डबल क्लिक इसी सरफेस को जो बनी हुई है उसको आपने इधर से डबल क्लिक करना है, और इधर से आप ये देख रहे हैं कि अबव है, तो ये लाइन से जो हमारी स्लोप लाइन जा रही है, इधर मैं माउस में दिखा रहा हूँ आपको, ये अबव आएगी। ब्लो में रखना चाहते हैं तो इधर से आप इसको मिडल या ब्लो में कर लेते हैं, तो ब्लो में है तो ब्लो में रखेंगे। इसी तरह नंबर है तो नंबर आप लगा दें, एरो वगैरह लाइन लगाना चाहते हैं तो एरो भी आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं एनोटेशन ऑफ फॉर्मेट, ये परसेंटेज के अंदर है। आपने जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना है तो आप एच वी कर दें उसको, आपने जैसे एच वी कर देना तो वो 1.5 के ऊपर आ जाएगी। इसी तरह जिस तरह आपकी स्लोप जा रही होगी तो आपने जैसे इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करके इधर से ओके कर देना है, उसके बाद क्लोज कर देना है, और नीचे आपने आ जाना है। रेफरेंस लाइन हमने यूज़ नहीं की, टेक्स्ट सेटिंग है, इस इधर से आपने कर देना है। जैसे आपका स्टेशन आ रहा है, आप प्लॉट करना चाहते हैं, यस डिज़ाइन सेंटर लाइन एलिवेशन, ये जो हमारे पास आ रहे हैं सारे, ये इस सिलसिले में है कि आप इनको प्लॉट करना चाहते हैं या नहीं। इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम फिलहाल इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। आप देख रहे हैं कि एक्चुअल आर्टवर्क को हमने इधर से ऑफ कर दिया था। इधर से इसी तरह कट आपके पास ये नीचे आ रहा है, कट एरिया आप रखना चाहते हैं या फिल एरिया, वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स को आप नो करना चाहते हैं, आप इधर से इसको प्लॉट आइटम को नो कर दें, वॉल्यूम्स को आप अगर सिर्फ एरिया रहने देते हैं तो वो इधर से हमारे पास एरिया आ जाएंगे। इधर से ये हमारी इधर से मैक्सिमम सेटिंग क्लोज हो गई है। इधर से अभी हमने इसको इसी तरीके से दोबारा न्यू के ऊपर आना है, और एक क्रॉस सेक्शन को हमने इधर प्लॉट करके चेक करना है। सबसे पहले आपने सेटिंग करने के बाद दोबारा इधर से इसको न्यू के ऊपर आना है और इधर से ओके करना है। ये क्रॉस सेक्शन अभी न्यू तरीके से प्लॉट होएगा। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि अभी हमने इसकी सारी सेटिंग कर दी थी। सेटिंग करने के बाद टेक्स्ट वगैरह सारे, तो इधर आप हमारे पास इधर इसके एलिवेशन आ जाएंगे, ये हमारी स्लोप इधर आ जाएगी, ये एलिवेशन जो जो से पॉइंट हमारे पास एलिवेशन के आ रहे हैं वो सारे पॉइंट्स इधर आ जाएंगे। इसी तरीके से इसकी ये हमारे पास एलिवेशन आ गए हैं, सर्कल भी हमारा छोटा हो गया है, और इधर हमारे पास इसकी सेटिंग ऑलमोस्ट ठीक होगी। अभी सबसे लास्ट सेटिंग हमने अपने क्रॉस सेक्शन की जो हाइट है, इस हाइट को हमने इधर से
चेंज कर देना है साइड को, हम इसी तरीके से आएंगे शीट सेटिंग के ऊपर, एडिट के ऊपर। तो ये हमारे पास इधर इसकी हाइट 60 मिलीमीटर्स की आ रही है, तो आपने उसको थोड़ा सा कम करके इधर से चेक करना है। तो ये थोड़ी सी सेटिंग्स होती हैं, ये पहली दफ़ा की जो बंदा नया काम कर रहा होता है, तो जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती। तो आपने इधर इसको ओके करके और दोबारा आपने इधर से प्लाट कर देना है इसको। आप प्लाट करेंगे तो ये देखेंगे हमारी शीट की हाइट अभी भी ज़्यादा आएगी और ये हमारा नीचे आ रहा है इसको, तो आपने इसकी हाइट को मज़ीद इधर से इसको कम कर देना है। उसको आपने 30 के ऊपर ले आना है, इसको 30 या 25 के ऊपर, मैं 30 के ऊपर रख के इसको जैसे चेक करता हूँ 30 के ऊपर, और जैसे न्यू के ऊपर आना है और एक क्रॉस सेक्शन को मैंने जैसे प्लाट करके चेक करना है। तो मैं जैसे ओके करूँगा, ये अभी आप देख सकते हैं कि हमारा क्रॉस सेक्शन जो है वो बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट ठीक हो गया। आप इधर से इसकी हाइट मज़ीद भी ऊपर थोड़ा सा करना चाहते हैं तो आप इसको इधर से इसकी हाइट 27 आप कर दें, 27 ना भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं 27 कर दें थोड़ी सी हाइट को अपने डिस्टेंस और एलिवेशन के हिसाब से। क्रॉस सेक्शन हमारा इधर कम्प्लीट हो गया सारा। तो ये भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास इधर इसकी सेटिंग पूरी कम्प्लीट हो गई है सारी, ये क्रॉस सेक्शन हमारा इसी तरीके से बन गया है। तो ये भी आप इसकी लेंथ भी हमारे पास थोड़ी सी इधर ज़्यादा आ रही है, तो आपने इधर से आना है और ये 120 हमने इधर किया हुआ था, तो हम इधर से मैं इसको 100 कर देता हूँ। 100 करने के बाद दोबारा आपने इसको 00 के ऊपर कर देना है, करने के बाद एक क्रॉस सेक्शन को आपने प्लाट करके देख लेना है। तो ये अभी ऑलमोस्ट हमारा क्रॉस सेक्शन इधर फाइनल हो चुका है। इधर ये आप सारा कुछ आपने, मैंने इसकी पूरी डिटेल के साथ आपकी आपको उसकी सेटिंग बताई है कि आपने इसको कैसे सेट करना है, इसकी क्या कंप्लीट सेटिंग होती है। तो ये आपने इसी तरीके से इनकी सेटिंग्स वगैरह को चेंज कर देना। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ग्रिड लाइन्स आपकी बहुत क्लोज आ रही हैं, आप इनको चेंज करना चाहते हैं, आप दोबारा एडिट में आ जाएं, ग्रिड स्पेसिंग में आ जाएं। हमने 1:1 का रखा था, तो हॉरिजॉन्टल ग्रिड स्पेसिंग को हम इधर से 1 कर देते हैं, वर्टिकल को भी हम इधर से 1 कर देते हैं, और इसी तरीके से ये हमारे पास फाइन ग्रेड की जो स्पेसिंग थी इसको हम इधर से इसको हम 2 करते हैं, जैसे 2 और 2, और इसको हमने इधर से 1:1 फाइन ग्रेड को हमने 1:1 कर देना है। करके आपने जैसे इसको अप्लाई करके ओके कर देना है और दोबारा क्रॉस सेक्शन को कराना है, और जैसे आपने सिंगल क्रॉस सेक्शन को प्लाट करके दोबारा इससे चेक कर लेना। अभी आप चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे हमारा क्रॉस सेक्शन का जो व्यू है वो बहुत इससे बेहतर हो गया, इसका स्पेसिंग वगैरह बढ़ गई है। आप इसी तरीके से इसकी स्पेसिंग जो ग्रिड लाइंस की स्पेसिंग वगैरह है उनको आप चेंज कर सकते हैं और इनको आप बना सकते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन की पूरी कम्प्लीट एक सेटिंग हमने इधर कर दी है इस सेक्शन को के ऊपर। तो अभी हमने इधर से इस सबको इधर से क्लोज कर देना है और इसको सेव नहीं करना हमने, इसको हमने नो नो के ऊपर लेके जाने हैं हमने, क्योंकि ये सेटिंग करते हुए मैंने आपको सारे बताए हैं। तो आपने इसी तरीके से अपने सेक्शंस की सेटिंग को मैंने शुरू से आपको बताया कि एंड तक आपने इसकी सेटिंग्स को आपने कैसे करना है। तो ये आपने सारे क्रॉस सेक्शन इधर से क्लोज कर देने हैं, कोई भी आपने क्रॉस सेक्शन इधर ओपन नहीं छोड़ना है शीट के ऊपर। तो अभी आपने आउटपुट को दोबारा आ जाना है और क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये जितने हमने क्रॉस सेक्शन इधर बनाए थे शिफ्ट और एंड करके आपने सब सिलेक्ट कर देने और उसे क्रॉस करके आपने उसको ख़त्म कर देना है, ख़त्म। तो इधर हमारे पास एक इधर गलती हुई है, इधर हमारे पास इधर ये राइट साइड पे आ रहा है एलिवेशन, जो हमने डिस्टेंस और एलिवेशन थे, तो ये आपने जैसे बोथ साइड के ऊपर करके स्टैक्ट कर देना है। करने के बाद ओके कर देना है, ये बोथ साइड, ये हमारे पास जो एलिवेशन डिस्टेंस वाला ये कॉलम था, तो ये आपने जैसे बोथ साइड के ऊपर ही रखना है, आपने राइट लेफ्ट नहीं करना। तो ये हमने उधर छोड़ गए थे इसको। तो आपने इसके बाद जब ये क्रॉस सेक्शन को प्लाट करना है, तो आपने सब क्रॉस सेक्शन सेटिंग करने के बाद इसको प्लाट कर लेना है। इसकी सेटिंग वगैरह थोड़ा सा मैं इसका डिस्टेंस इधर से और कम कर दूंगा, 80 मीटर के ऊपर मैं इसको ले आऊँगा, ताकि हमारा क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो इसके बाद आके करने के बाद न्यू के ऊपर आपने आना है और जैसे आपने अब हमने सारी शीट इसकी बनानी है। तो अभी आप देखेंगे ये मेरी एक शीट एक एक ऑटो कैड की विंडो के ऊपर आएगी और उसके जस्ट उसके सारा कुछ उसका फाइनल हुआ हुआ होगा। तो प्रोफाइल हमारी 00 से लेकर 1+200 तक थी और क्रॉस सेक्शन भी 1+200 तक है। तो जैसे मैंने इसको ओके करना है, ओके करता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं कि मेरा क्रॉस सेक्शन इधर उसकी शीट की हाइट और लेंथ मुकम्मल तौर पे एडजस्ट हो गई है। और इधर से ये 1 क्लिक के ऊपर ये अभी मेरे क्रॉस सेक्शन अलग-अलग बनते जाएंगे, क्योंकि अभी हमने क्रॉस सेक्शन को सिंगल शीट के ऊपर बना रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ऑटो कैड के ऊपर ईगल पॉइंट थोड़ा सा टाइम लगाता है, हर क्रॉस सेक्शन को उसने ड्रा करना होता है अलग-अलग, तो ये आपका थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आपने थोड़ा सा इसके ऊपर वेट कर लेना है और वेट करने के बाद आपने इसको इंतज़ार करना है, ये आपका 5 से 7 मिनट लगा देगा सारे क्रॉस सेक्शन बनाने में। तो
बिल्कुल जो इसके बाद जो वीडियो होगी उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आपने इसके अंदर टेम्पलेट कैसे एडजस्ट करनी है इसकी ड्राइंग के अंदर सेटिंग के अंदर जाके। कुछ दोस्तों ने मुझसे जब मैंने चैनल अपना स्टार्ट में बनाया था तो पूछा था, उनको मैंने कमेंट्स के अंदर बताया था लेकिन मेरा ख्याल है वो उनकी वो मुतमिन नहीं हुए थे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने अपने क्रॉस सेक्शन की जो टेम्पलेट है वो कैसे इसके ऊपर लगा देनी है ताकि आपके ऊपर इसकी वर्किंग कम से कम हो जाए, आपको दोबारा उसको इंसर्ट ना करना पड़े और लगाना ना पड़े। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रॉस सेक्शन को ड्रा आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे हो जाएंगे। इसके बाद साथ ही मैं आपको आगे उसकी सेटिंग में तो जैसे मैंने थोड़ी वीडियो की स्पीड तेज़ कर दी है ताकि थोड़ा प्रोसेस जल्दी हो जाए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये मैं आपको सारे आपने इसी तरीके से इन क्रॉस सेक्शन को थोड़ा सा वेट कर लेना है, ये बन जाएंगे सेटिंग करके। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे क्रॉस सेक्शन इधर सारे कंप्लीट हो गए हैं, इधर से लेके और 25 शीट्स इसकी बनी है 50-50 मीटर के ऊपर डिस्टेंस के ऊपर इसका डिस्टेंस था। तो ये सारे क्रॉस सेक्शन अभी आप जो उससे क्रॉस सेक्शन ओपन करता जाते हैं करना चाहते हैं उसको क्लिक करके और इनको चेक कर सकते हैं। और ये अभी आप इधर नीचे आते हैं तो ये देख सकते हैं, तो ये हमारे पास RD 0150 की RD है जिसके अंदर ओरिजिनल एलिवेशन जो NSL का एलिवेशन है 706.50 ये हमारे पास ये इधर आया हुआ है, और डिज़ाइन एलिवेशन 709.80 हमारे पास इस पोर्शन का है, ये सब ग्रेड टॉप का एलिवेशन बनेगा नीचे। इसी तरीके से डिज़ाइन अर्थवर्क का कॉलम है, फिल एरिया हमारे पास 183.99 है। तो आपने अगर आप इसका एरिया क्रॉस चेक करना है तो आपने इधर से इसकी जो ग्रिड्स की लेयर्स हैं वो आपने इधर से ऑफ कर देनी है, हैवी ग्रेड और फाइन ग्रेड्स की लेयर्स को आप ऑफ कर दें। और इधर से इसी तरीके से आपने सेंटर लाइन को इधर से ट्रिम कर देना है और आप इधर से उसकी बाउंड्री बना लें BO। बाउंड्री बनाने के बाद राइट क्लिक करके AA इंटर और O इंटर आप करेंगे तो ये आप देखेंगे 183.9860 हमारे पास इसका एरिया आ गया इधर। तो ये हमारे पास ये एरिया इसका आ जाएगा, आप इसका एरिया भी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से इनकी सारी एलिवेशंस वगैरह को भी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो शीट्स आई हैं सारी इसकी क्रॉस सेक्शन की जो शीट्स हैं सारी वो 00 से लेके और 1+200 तक हैं। तो ये पूरा इसकी सेटिंग हुई हुई है सारी इसी तरीके से। ये आप इसको ओपन करना चाहते हैं ईगल पॉइंट के अंदर तो आप इधर से बारी बारी सारे क्रॉस सेक्शन को आप क्लिक करके इधर से ओपन कर सकते हैं और इसकी सेटिंग वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहते हैं इसकी सेटिंग्स वगैरह को भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप आ जाएँ, इस एरिए कॉलम को मैं क्लोज करता हूँ और नीचे आप आ जाते हैं वॉल्यूम्स कॉलम के अंदर। ये आप पॉइंट आउट्स में आप आ जाएंगे, ये वॉल्यूम्स वाला आपका पास कॉलम आ जाएगा। तो आप इधर देखेंगे कि हमारे पास डिज़ाइन अर्थवर्क सारा कॉलम हमारे पास आया हुआ है, डिज़ाइन अर्थवर्क का पूरी पूरी इसके क्रॉस सेक्शन के कट और फिल एरिया जो हमारे पास हैं वो सारी इधर हमारे पास सारी मौजूद हैं शुरू से लेके और एंड तक। और नीचे इसका पूरा टोटल वॉल्यूम भी हमारे पास इसका कैलकुलेट हुआ हुआ है सारा। आपने इसी तरीके से इस शीट का प्रिंट निकाल दे सकते हैं और अपने कंप्यूटर के ऊपर भी आप इसको सेव कर सकते हैं इसके सारे सारे क्रॉस सेक्शंस को और पूरे इसके डिटेल वर्किंग सारी इसके अंदर आपको इधर से नज़र आएगी सारी इन एरियाज़ वगैरह और इसकी कैलकुलेशंस वगैरह। तो अभी हम ये शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये टेम्पलेट है हमारे पास अभी, क्योंकि इधर हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन बनने हैं तो ये जस्ट इधर से क्रॉस सेक्शन का व्यू आया हुआ है हमारे पास। और इधर आप उसकी आईडी की कमांड लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इसका एलिवेशन भी इधर से आउट हुआ हुआ है। तो आपने इनके इसको आपने अपने एलिवेशन के ऊपर फिक्स करना है और दूसरे नंबर के ऊपर आपने ये जो टेम्पलेट पूरी की टेम्पलेट बनी हुई है जो आपके प्रोजेक्ट की टेम्पलेट होती है जिसके अंदर क्लाइंट कंसल्टेंट कंट्रैक्टर्स चेक बाई पूरे कॉलम्स हमारे सारे बने हुए होते हैं। जब हमने सबमिट कराना होता है क्रॉस सेक्शन को तो वो उसके सामने अगर हमने इसको लेकर आना है कि उसको हमने कैसे उसके ऊपर फिक्स करना है तो ये आपके सामने ये पूरी डिटेल क्रॉस सेक्शन टिपिकल बना हुआ है। जैसे मैं ये डिज़ाइन पेमेंट स्ट्रक्चर जो है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ तो उसके बाद ये हमारे पास पूरा सेक्शन इधर आ जाएगा। ये जो हमारे पास आउटसाइड वाली जो लाइंस जा रही हैं ये हमने इधर हमारे पास आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं आ रहा है हमारे पास। तो इधर से हमने जस्ट वो सेक्शन इधर से रखना है, ये कैजुए वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह मुख्तलिफ के ऊपर लगी हुई होती हैं जिसके ऊपर ज़रूरत होती है उधर वो उसके एलिवेशन वगैरह लगाए गए होते हैं। तो इन पूरे सेक्शंस को इधर से हमने उसको कैसे कॉपी करके लगाना, सपोज़ मैं इधर से उसको ब्लॉक की शक्ल में सबसे पहले मैंने बनाना है इसको, तो सबसे पहले आपने ये जो नीचे वाला डिज़ाइन सेक्शन है ये जो डिज़ाइन सेक्शन है इसको आपने ब्लॉक बना देना है, आपने B की कमांड लेनी है और इधर आपने कोई X Y
आपने एड्रेस इसका नाम दे के इसको इंटर कर देना है, ये हमारा नंबर वन ब्लॉक बन जाएगा। उसके बाद आपने ऊपर वाली जो हमारी टेम्पलेट जो पूरे रेक्टेंगुलर और नीचे प्रोजेक्ट का पूरा सिस्टम बना होता है इसको भी आपने ब्लॉक की शक्ल में ले आना है। आप इसको जेड का नाम दे दें, ओके कर दें, तो ये आप देख सकते हैं हमने इधर दो ब्लॉक इसके बना दिए हैं दोनों। ये टीपी का सेक्शन आपने एक बना देना है, कोई भी अपने हिसाब में आप इसका हैच वगैरह इधर से जो भी रखना चाहते हैं रहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, कलर स्टोन्स वगैरह हैं जो भी चीज़ें, और ऊपर इसी तरीके से उसका नाम, कैरिज वे, शोल्डर्स, ग्रीन बेल्ट वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं, टोटल डायमेंशन इधर, एरियाज वगैरह, उस किस्म की आपने एक टेम्पलेट इधर जनरेट करके बना देनी है। तो अभी आप इधर आते हैं अपने ईगल पॉइंट के ऊपर, आउटपुट के ऊपर आप आ जाएँ, क्रॉस सेक्शंस वाली शीट को आप दोबारा ओपन कर लें। इधर से आपने एडिट वाले को ऑप्शन के ऊपर जाना है, एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो ये आपके पास दो जो मेन जो हमारी विंडो थी एडिट शीट की, इसके नीचे आप देखेंगे तो शीट फोटो टाइप आपके पास आ रहा होगा पूरा, आप इसको इधर से देख सकते हैं। इसको आप कंट्रोल ए कर लें, कापी कर दें, इस पैथ को कापी करके मैं तो ज़रा आपके इधर सामने रखता हूँ इधर, तो ये आप ताकि ये नज़र आए, तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये आपने जिधर भी ईगल पॉइंट आपका इंस्टॉल किया गया होगा, सी यूज़र पब्लिक एप्लीकेशन डेटा ईगल पॉइंट सॉफ्टवेयर और ईजीपीटी इसका फोल्डर होएगा, सपोर्ट ड्राइंग, और ये हमारे पास ड्राइंग का नाम आएगा आर सी एक्स पी एल टी ड्राइंग। ये ड्राइंग हमारी उस ड्राइंग के अंदर इसकी मेन विंडो बनी हुई है, उसके अंदर इस टेम्पलेट को जो हमारे पास टेम्पलेट है इसको आप इधर से कापी कर लें। कापी करने के बाद आपने इसको ब्लॉक की शक्ल में बनाया हुआ है, आप इसको कॉपी कर लें और इसी तरीके से आप अपने कंप्यूटर के ऊपर आ जाएं इधर से, और सी ड्राइव के अंदर आ जाएं और इधर से यूज़र के अंदर आप चले जाएं। इधर से आपने पब्लिक के ऊपर जाना है, एप्लीकेशन डेटा ईगल पॉइंट सॉफ्टवेयर इधर आपके पास आ जाएगा, इसी तरीके से ईजीपीटी, और इधर से आपने सपोर्ट के ऊपर आ जाना है, और इधर से आपके पास ड्राइंग वाला एक फोल्डर होगा, ये DWG ड्राइंग्स हैं, तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट्स ड्राइंग्स इधर मौजूद रहेंगी सारी, इसकी प्लान प्रोफाइल्स की, क्रॉस सेक्शन की, जिधर से वो ड्राइंग को लेके और आगे बनाता है। तो ये आप ये देख सकते हैं कि इधर हमारे पास ये पैथ मैंने इधर लिख दिया था इसका, ये तो ये हमारे पास आर सी एक्स पी एल टी नाम की ड्राइंग होएगी, तो आपने इधर से आर सी एक्स पी एल टी ये हमारे पास ये ड्राइंग है इसकी, आपने इस ड्राइंग को इधर से ओपन कर लेना है, ऑटो कैड के किसी भी वर्जन में आप इसको ओपन कर लें, तो ये आपके सामने ड्राइंग इधर से ओपन हो जाएगी। ये इधर से आपने उसी सेक्शन को आपने इधर पेस्ट कर देना है, किसी जगह के ऊपर भी आप पेस्ट कर लें। अभी आपने हमने इस ड्राइंग को इधर इस पूरे सेक्शन के ऊपर पेस्ट करना है, तो आपने ये जो हमारे पास सेक्शन बना हुआ है ये क्रॉस सेक्शन, इसको आपने इधर से कापी का ब्लॉक, पहले ब्लॉक की शक्ल में कर लेना है। आप कोई भी नाम इधर से, मैं इसको क्लोज करता हूँ, आप इधर से इसका कोई भी नाम दे दें, बी एक्स सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप इसको करके और इसको पूरे ब्लॉक की शक्ल में आप बना दें, उसके बाद ओके कर लें, और इधर से आपने इसको कॉपी करना है, और अपनी जो हमारी ऑटो कैड की जो विंडो हमने खोली हुई थी जो ड्राइंग जिसमें हमने ये ड्राइंग को पेस्ट किया है, तो इधर आके सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है और पेस्ट एज ए ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आपने पेस्ट कर देना। आप ओरिजिनल पे पेस्ट करेंगे तो ये देखेंगे कि ये हमारे पास ओरिजिनल जो हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन का जो स्केल आया हुआ था वो इधर प्लॉट हो रहा है, और इधर से ड्राइंग के ऊपर ये जो हमने ब्लॉक के इधर पेस्ट किया है, तो इस ब्लॉक को आपने इधर से दोनों ब्लॉक्स को, हमने दो मुख्तलिफ शक्ल के ब्लॉक बनाए थे, इन ब्लॉक्स को आपने इधर से कॉपी करना है, और इधर से आपने इसको सबको सिलेक्ट करके और इधर से आपने राइट क्लिक करके इधर से इसका सेंटर या कोई एज पॉइंट जो आप समझते हैं, इधर से मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा एज पॉइंट ये मेरे पास वैलिड है, तो आपने इधर से आना है और इधर एज पॉइंट के ऊपर आके आपने इसको इधर लगा देना है। अभी आप लगाते हैं तो आप ये देखते हैं कि हमारी टेम्पलेट थोड़ी सी छोटी है इसके मुकाबले में, ये हमारे पास जो स्केल बना हुआ है ये थोड़ा सा इधर से बड़ा है। तो आपने इधर से हमने आपको याद होगा हमने दो ब्लॉक बनाए थे, एक हमने डिज़ाइन का बनाया था और दूसरा हमने इधर से अपनी टेम्पलेट का बनाया था। तो आपने स्केल की कमांड लेनी है और टेम्पलेट वाला जो आपका डिज़ाइन है उसको आपने इधर से सिलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा आपने बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद आप इसको इधर से एडजस्ट करके अपने सेक्शन के दरमियान में ले आएँ। इधर से आप इसको थोड़ा सा छोटा भी करना चाहते हैं आप इसको एडजस्ट कर लें 0.95 के हिसाब से, आपने इसी तरह स्केल उसका एडजस्ट करना है। उसको करने के बाद आपने इसको इधर सेट कर देना है, और उसके बाद आपने ये देख रहे थे कि ये हमने टेम्पलेट लगाई थी ये इधर ड्रा हो गई है, तो आपने इधर से ये दरमियान वाला जो है ब्लॉक जो हमने ईगल पॉइंट का था उसको हमने इधर से रेस कर देना है। तो ये अभी टेम्पलेट हमारी उस जो हमारे पास जो डिज़ाइन सेक्शन था उसके हिसाब से ये ऑलमोस्ट एडजस्ट
हो चुकी है, लेकिन इसमें आपको अभी ये जो हमारे पास पोर्शन ये आपको नज़र आ रहा है डिज़ाइन पोर्शन का, ये चूँकि हमने इस सेक्शन के हिसाब से इसको एडजस्ट किया है, सेक्शन के जिस तरह लेवल अप या डाउन होंगे तो ये ड्राइंग हमें ये जो सेक्शन है इसको हमें अप या डाउन इधर से मैनुअल सेक्शन बनने के बाद करना पड़ेगा। तो खैर वो बाद का इशू है थोड़ा सा, उसको मैं आपको बनाने के बाद बताता हूँ। आपने ये टेम्पलेट को इस तरह एडजस्ट कर लेनी है और इसको इधर से आपने सेव कर देना है। ये ड्राइंग आपकी उसी ड्राइंग के अंदर जो हमारा ये पैथ हमने नीचे लिखा था इस ड्राइंग के अंदर, इस वाली ड्राइंग के अंदर आपने इसका इधर एडजस्ट कर देना है इसको, और इधर से आपने सेव करके और इधर से आपने सेक्शन को हमने क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने दोबारा ईगल पॉइंट के ऊपर इधर आ जाना है अपना, और ये जो हमने क्रॉस सेक्शन इधर व्यू बनाए हुए हैं तो इस क्रॉस सेक्शन को आपने इधर से दोबारा बनाना है, क्योंकि अगर आप टेम्पलेट वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं, सिंपल तरीके से काम करना चाहते हैं तो वो आप ऐसे इसका काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट व्यू हमारे क्रॉस सेक्शन का सबका आए तो उसके लिए आपने ये टेम्पलेट वगैरह इधर ड्राइंग के ऊपर से जाके कॉपी करके और उधर आपने इधर पेस्ट कर देनी है, और पेस्ट करने के बाद आपने इधर से क्रॉस सेक्शन के ऊपर आना है। तो ये जितने क्रॉस सेक्शन हमने बनाए हैं इसको आपने सबसे पहले शिफ्ट और एंड के ऊपर सेलेक्ट करके इन सारे क्रॉस सेक्शन को आपने इधर से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने इधर से दोबारा न्यू के ऊपर आना है और क्लिक करने के बाद आपने इधर से ओके कर देना है। अभी आप ओके जब करेंगे क्रॉस सेक्शन को तो आप देखेंगे ये क्रॉस सेक्शन के अंदर आपकी पूरी की पूरी शीट उसी तरीके से एडजस्ट हो रही है और उसी तरीके से ये क्रॉस सेक्शन इसके बनते जा रहे हैं। तो अब आपने दोबारा उसको क्लिक कर देना है और सारे क्रॉस सेक्शन को आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल मैंने आपको सारी बताई है। ये क्रॉस सेक्शन आपके सारे के सारे अभी कंप्लीट शेप के अंदर नहीं है, इसके अंदर एक थोड़ी सी माइनर सी चेंजिंग और है, वो आपको मैं ये क्रॉस सेक्शन की शीट्स कंप्लीट होती हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपने इसी तरीके से इसकी टेम्पलेट वगैरह अपनी लगा देनी है, जब आप देखेंगे कि ये आपके क्रॉस सेक्शन के ऊपर सारा का सारा एक फाइनल शेप के ऊपर ये चीज़ बनती जा रही है। तो आपने टेम्पलेट को इसी तरीके से लगाना है, उसका पैथ मैंने आपको नीचे ड्राइंग के अंदर बता दिया है। आप उस ड्राइंग के पैथ के ऊपर जाके अपनी टेम्पलेट को एडजस्ट कर लें, एक क्रॉस सेक्शन को बना लें, बनाने के बाद उसको कर। तो ये अभी हमारे पास सारे क्रॉस सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। आप किसी भी क्रॉस सेक्शन को इधर से आप ओपन करेंगे तो ये आपके सामने उसकी टेम्पलेट्स में सारे क्रॉस सेक्शन इधर से ओपन होते जाएंगे, आप इसका व्यू इधर से देख सकते हैं। उसके बाद आपने इनको ओपन कर लेना है, शीट को क्लोज कर देना है। अभी आप देखेंगे जो हमारा डिज़ाइन सेक्शन है जिसके हमने दूसरी ब्लॉक बनाया हुआ था ये अप डाउन हो रहा है। आपने इधर से मूव की कमांड लेनी है और इधर से आपने अपने क्रॉस सेक्शन को इधर से सिलेक्ट कर लेना है किसी जगह से भी, और सिलेक्ट करके आपने इधर अपनी उसकी ओरिजिनल जगह के ऊपर जाके इसको प्लॉट कर देना। तो अभी आप देखेंगे कि हम आपका जितना भी टीपी का सेक्शन का जो भी आपका डिज़ाइन वगैरह था वो सारा का सारा बन गया है, सारा कंप्लीट हो गया। अभी इधर नीचे आप देख रहे हैं कि फिल एरिया आपका इधर लिखा हुआ है, आप इसको इधर भी लिखा रहने दे सकते हैं, या जो भी आपकी टेम्पलेट अप्रूव हुई हुई है आपने उसके अंदर जाके इसका एरिया उस जगह के ऊपर आपने इसको लिख देना है, एंटर कर देना है डबल क्लिक करके, और जो एरिया आपका आ रहा होगा वो आपने इधर से उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग आप करना चाहते हैं उसकी तो आप कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स वगैरह को जो कट एरिया है कट एरिया के ऊपर आपने लिख देना है, और फिल एरिया है इधर लिख देना है, तो आप इसको इधर भी लिखा रहने दे सकते हैं। और अगर आपने इनको इन टेबल्स के अंदर लिखना है इस तरह की आपने शीट के ऊपर तो आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं। तो आपने अपने क्रॉस सेक्शन को सबको इसी तरीके से बना देना है, जैसे जो से भी आपने क्रॉस सेक्शन बन गया आपका आपने उसको इधर से ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने जो टेम्पलेट आपने डिज़ाइन की थी जो डिज़ाइन का जो आपने इधर हमारे पास टीपी का सेक्शन हमने बनाया हुआ था आप उसको इसके ऊपर लगा दें तो ये आपका काम इसी तरीके से होता जाएगा सारा, और आपके सारे क्रॉस सेक्शन कंप्लीट होते जाएंगे। उसके बाद आपने ये टेम्पलेट को इधर लगाने के बाद कंट्रोल ए कर देना है। कंट्रोल ए करने के बाद सबको आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसको आपने इधर से मूव की कमांड लेनी है, मूव एम मूव करना है, और इधर से आपने इस एलिवेशन को आपने पकड़ना है और 0.7064 के ऊपर आपने इसको इधर से मूव कर देना है। आप मूव करके जूम एक्सटेंड करेंगे तो ये अभी आपका पूरा क्रॉस सेक्शन आपके एलिवेशंस के मुताबिक एडजस्ट हो चुका है। आप इधर से किसी भी लेवल्स को चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 7.08.48 जो से भी आपका पॉइंट्स आ रहा है आप उसको चेक कराना चाहते हैं, किसी को आपने दिखाना है तो ये आपके वो जिधर आपका क्लिक करेगा एलिवेशंस के ऊपर जो एरिया आपका कैलकुलेट करेगा वो सब के सब उसी हिसाब में आएगा जिस तरीके से आप मैनुअल क्रॉस सेक्शन को ड्रा करते हैं। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है हमारा ईगल पॉइंट का। मैं ईगल पॉइंट को यूज़ करता हूँ अपने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये इन किस्म के जितने क्रॉस सेक्शंस वगैरह बनाने हैं जो चीज़ करनी है तो आप भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि जैसे मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ ये क्रॉस सेक्शन मेरे पास किधर पड़े हुए हैं। आपने जैसे
इसको मैं ओपन वाले फोल्डर के ऊपर आ जाना है, और जिधर आपने ये बनाया था, हमने प्रोजेक्ट अपना बनाया था डेस्कटॉप के ऊपर, हमने बनाया था ईपी क्रॉस सेक्शन, तो ये आप इसके अंदर आएंगे, इसको आप ओपन करते हैं जैसे, तो आप ये देखेंगे हमारे पास ये सारे क्रॉस सेक्शन इधर बने हुए हैं। तो ये हमारे पास जो वन नंबर की जितनी सीरियल जा रही है इसको आप इधर से कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद ये एंड तक ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, इसको आप इधर से डायरेक्ट कट कर दें, आप राइट क्लिक कर दें, न्यू में आ जाएं, न्यू वजह से आप फोल्डर क्रिएट कर दें, जो आपका रोड था हमारा इधर रोड वन, इसका आप नाम दे दें इधर, और इसको आपने डबल क्लिक करके और अपने क्रॉस सेक्शन की सारी शीट्स को आप इसके अंदर पेस्ट कर दें। इसमें हमारे पास एक दो क्रॉस सेक्शन उधर ओपन हुए हैं, तो आप उसको स्किप कर दें, उसको आप सबको आप क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद आप देखेंगे सारे क्रॉस सेक्शन आपने इधर आपके पास आ जाएंगे, अलग अलग क्रॉस सेक्शन आप इसको कॉपी करके अपने किसी भी फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। इसके अंदर आपका कोई भी लिंक्स नहीं है किसी किस्म का कि वो आपका जैसे ख़त्म होएगा, आपने इसको ओपन करेंगे ये क्रॉस सेक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो आपने अपने सारे क्रॉस सेक्शन को ईगल पॉइंट के अंदर इसी तरीके से इसको बना लेना। तो ये सारे क्रॉस सेक्शन आपके लेयर्स में बने होंगे सारे, आप इसकी लेयर्स वगैरह को इधर से चेक कर सकते हैं, इधर से ये सारी लेयर्स इसकी बनी हुई हैं, जो सी लेयर आप रखना चाहते हैं आप इसको ऑन कर सकते हैं, जिसको ऑफ करना चाहते हैं सारी लेयर्स इसकी ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, पूरे क्रॉस सेक्शन को आप पूरी डिटेल के साथ आप बना सकते हैं। इसी तरह ये आपको मैं थोड़ा सा मज़ीद आगे बता दूँ, आपने इधर से दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपने इधर से न्यू के ऊपर आ जाना है, इधर से फाइल के ऊपर आना है और न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, तो रोड कल का आपने सेलेक्ट किया हुआ है, आपने इधर से नेक्स्ट करना है और इधर से आपने रोड टू कर देना है, रोड टू करने के बाद आपने जैसे नेक्स्ट करना है, तो आप देखेंगे कि आपका इधर प्रोजेक्ट पहले हमारा रोड वन था, रोड टू आ जाएगा, आपने इसको इधर से ओपन कर लेना है इसी अपना प्रोजेक्ट को, और ओपन करने के बाद आपने इधर से व्यू प्लान प्रोफाइल के ऊपर आना है, तो ये इधर आप देखेंगे हमारे पास इधर कुछ भी नहीं है, तो आपने क्रॉस सेक्शन के ऊपर इसी तरीके से जाना है, और एक्सेल की जो शीट्स हमने ये आप देखेंगे हमारे पास दो एक्सेल की शीट थी इधर, तो दूसरा सेकेंड फार्मेट को भी आपने सेम टू सेम इसी तरीके से इधर इसको कर देना है। करने के लिए आप ये फॉर्मेट जो आपने बनाया था इस फॉर्मेट को भी आप एंड तक कॉपी कर सकते हैं, इसमें कोई थोड़ी माइनर सी चेंजिंग होती है, किसी के क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होते हैं किसी के कम होते हैं, तो आपने इसी तरीके से इसको इधर पेस्ट कर देना है, इन एरियाज़ वगैरह को जो आपके आ रहे हैं आपने इसको इसी तरीके से एडजस्ट करके और इसमें अपना काम आप कर सकते हैं सारे उन्हीं तरीके के साथ उसी मेथड के ज़रिए। तो ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट मेथड इसका बताया है, इसी तरह आपने इसको बना देना है। इसका बनाने के बाद आपने जैसे ये जो एक पहला फॉर्मेट आपने बना लिया था, इसी फॉर्मेट को आप इधर अपना दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं, इसको नीचे तक ले आएँ, इसको इसी तरीके से इस फॉर्मेट को आपने क्रिएट करता जाना है और इसमें इनके लेवल्स एलिवेशन को आपने इधर बना दें। तो आपके पास जितने भी रोड्स हैं, अलग अलग स्लिप्स हैं, आपकी इंटरचेंज का आपका प्रोजेक्ट है, आपका सारा कुछ है, तो आपने सबको इसी तरीके से ले आना है। रोड वन लूप वन है, लूप टू है, आपके पास रैम्प्स हैं, आपके पास एक इंटरचेंज का कंप्लीट प्रोजेक्ट है, तो सबको आपने इसी फॉर्मेट के ऊपर सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है। इसकी प्रोफाइल को भी आपने इधर से इंटर कर देना है, लिख लेना है, मैनुअल लिख लेना है, और लिखने के बाद आपने इधर इसके न्यू प्रोजेक्ट को आपने बनाते जाना है इधर से, और इसी तरीके से ये देखें कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपने बनाना है। इधर आपके पास लूप आ जाता है, आप लूप वन कर दें और इसका प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दें, वही सेम टू सेम आगे प्रोसेस है, इसको ओपन कर दें और जैसे आपने इंपोर्ट अपनी जो फाइल आपकी पड़ी हुई है क्रॉस सेक्शंस की, उसको आप इसमें इंपोर्ट करा दें और टिपिकल सेक्शन आप अपना ड्रा कर लें, इसके अंदर प्रोसेस करके आउटपुट में आके और उसकी वही सेटिंग जो हमने पहले बनाई है उसके हिसाब से आप ये सारे बना सकते हैं। इसके अंदर क्रॉस सेक्शन बहुत ही आसानी के साथ आपके पास पूरा इंटरचेंज का, ये लंबे रोड का प्रोजेक्ट है, तो वो आप बहुत ही आसानी के साथ उसमें एक दिन के ऊपर आप जितने मर्जी क्रॉस सेक्शन को बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल के अंदर और भी आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, उन वीडियोस की मदद से आप अपना काम को आसान कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।